गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, पंखा बंद कर दिया। इसको हाँ थोड़ी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। सही सफाई इस सफाई तू राइट हैंड साइड है, मेरे को लेफ्ट हैंड साइड आंदे तू सर इस कैसे गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आर वी ऑडिबल प्रॉपरली सो दैट वी कैन कंटिन्यू द सेशन? आर वी ऑडिबल प्रॉपरली सो दैट गुड इवनिंग, हैप्पी होली टू एवरी वन। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरी वन। थैंक यू सो मच। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, एक्चुअली वी हैव गिवन द टाइम ऑफ 4:30 PM एंड इट्स 4:26। I think we should wait for 2 or 3 minutes, after that we will continue. 4:30 honde pehle thank you so much Banu Pratap ji and everyone, thank you. Happy Holi Stender ji, happy Holi everyone. मेरा चौक दे देख, अजय शर्मा बहुत अच्छी बात है, अगर आपको हेल्प मिली है एग्जाम में तो थोड़ा गया तो मेरे पर साइड में हो गया। ठीक है बच्चों, अभी शुरू करते हैं इस सेशन को। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोफेशनल एथिक्स, जो कि एक सब्जेक्ट का नाम है जिसका कि वाइवा भी होता है, हर एक यूनिवर्सिटी में इसका एग्ज़ाम भी लिया जाता है और इसका वाइवा भी होता है। तो वाइवा के टाइम पर कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि आप एग्ज़ाम तो पास कर लेते हो
लेकिन अगर आप वाइवा में अच्छा नहीं करते हो तो आप अच्छे स्कोर नहीं ले सकते। और ये जो सब्जेक्ट है प्रोफेशनल थिंग्स, इसमें आप 100 में से 90 मार्क्स भी ले सकते हो अगर आपका अच्छा वाइवा जाता है, क्योंकि वाइवा बहुत ज़्यादा जो है वो महत्व रखता है इस एग्ज़ाम में। तो आज का ये लेक्चर बेसिकली क्वेश्चंस बेस्ड होने वाला है, जिसमें मुनीर सर मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि एक एग्ज़ामिनर एक वाइवा में जो प्रोफेसर्स बैठते हैं वो लेते हैं वाइवा, वैसे कैसे क्वेश्चंस वो लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, वैसे क्वेश्चन मुनीर सर पूछेंगे और आई विल आंसर द क्वेश्चंस जो कि मुनीर सर पूछेंगे। तो 4:30 से पहले पूरे होने दो, 4:30 के बाद शुरू करेंगे। 4:30 होगी बस, क्योंकि बाकी बच्चे बड़े कम ज्वाइन हुए ना, काफ़ी कम लोगों ने ज्वाइन किया है, तो 5-10 मिनट वेट कर लेते हैं फिर शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग शेयर कर दो अपने अपने दोस्तों के साथ, अपने अपने ग्रुप्स में, अपने अपने कॉलेज के ग्रुप्स में, ताकि सभी को नोटिफिकेशन चली जाए कि हम लोग लाइव आ गए हैं। फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें कि हम प्रोफेशनल एथिक्स के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको जनरली वाइवा में पूछे जाते हैं। और अगर आपने ये सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, सारे क्वेश्चन आपने सुन लिए, उनके आंसर आपको समझ आ गए, आपने वहाँ बोल दिया आंसर वैसे, तो आपका वाइवा बहुत ही अच्छा होने वाला है। यूनिवर्सिटी से जो प्रोफेसर आएंगे वो आपको 100 में से 100 मार्क्स देने वाले हैं, जितने नंबर का वाइवा होगा उतने में से उतने मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप पूरा ध्यान से लेक्चर सुनोगे, ध्यान से आप लोग जो है वो वीडियो को सुनोगे। तो हमारे साथ बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। Just wait for 1 or 2 minutes. We are starting. और guys, हमारा अपना नया ब्लॉगिंग चैनल भी है, ब्लॉग विद ट्विंस के नाम से, तो प्लीज़ उसको प्यार दें, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारा अपना लॉ विद ट्विंस के नाम से इंस्टाग्राम पेज भी है, उसमें हम जनरली लाइव आते हैं, जो भी एग्ज़ाम हुए हों उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, काफ़ी कुछ वहाँ पे क्वेश्चन भी बच्चों के लेते हैं। तो आप वो इंस्टाग्राम पेज भी हमारा फॉलो कर लें, ताकि फ्यूचर में आपको आप हमारे साथ जुड़ सकें, लाइव आ सकें। बन किया था ठीक है, ठीक है, अभी गाइस शुरू करते हैं इसको। तो इसी के साथ पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आवाज़ दोनों की अच्छी आ रही है, प्लीज़ एक बार देख लें, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, अभी तक हमें भी पता नहीं है बिग डैडी रिजल्ट, अभी हमें भी पता नहीं है। स्टार्ट करो गुरु जी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो प्रोफेशनल एथिक्स का, जो एथिक्स का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, हर किसी से पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन का नाम है व्हाट इज़ एथिक्स। तो आपको मुकेश से आंसर देंगे, व्हाट इज़ एथिक्स प्लीज़। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं एथिक्स की बात करूं, तो ये टर्म जो एथिक्स है, दिस टर्म हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म एथोस, विच मींस अ कस्टम और हैबिचुअल मोड ऑफ कंडक्ट। तो एथिक्स बेसिकली एक मॉरल साइंस है, मॉरल फिलोसफी है, जो हमें बताती है कि सही क्या है, गलत क्या है, हाउ वन पर्सन शुड बिहेव, व्हाट शुड बी द मैनर ऑफ बिहेवियर ऑफ द पर्सन हु इज़ एक्टिंग टूवर्ड अदर पर्सन। तो एथिक्स बेसिकली एक मॉरल साइंस है, जो हमें यह बताती है कि सही क्या है, गलत क्या है, कैसा हमें कंडक्ट करना चाहिए किसी पर्सन के प्रति, क्या हमारे ड्यूटीज होनी चाहिए किसी पर्सन के प्रति। बेसिकली एथिक्स इज द कोड ऑफ कंडक्ट, जो मेन वर्ड है वो कोड ऑफ कंडक्ट है। एथिक्स मीन्स द बिहेवियर ऑफ पर्सन, द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ पर्सन। तो द अदर क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, एथिक्स का पता चल गया कोड ऑफ कंडक्ट, तो प्रोफेशनल एथिक्स क्या रहेगा। देखिए, अगर मैं प्रोफेशनल एथिक्स की बात करूं, तो दो टर्म से मिलकर बना है वर्ड प्रोफेशनल एंड एथिक्स। एथिक्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इट इज़ बेसिकली द कोड ऑफ कंडक्ट और द कस्टम ऑफ अ पर्सन, हाउ ही बिहेव्स। अब बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं हमारे पास, जैसे कि टीचिंग प्रोफेशन है, डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग का प्रोफेशन है, जैसे कि एक एडवोकेसी का प्रोफेशन है, और इन सभी प्रोफेशंस के कुछ कुछ मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, कुछ कुछ इनके अपने रूल्स होते हैं, रिटन और अनरिटन।
इसी को हम प्रोफेशनल एथिक्स बोलते हैं. व्हाट डज इट मीन? प्रोफेशनल एथिक्स मीन्स कोड ऑफ कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर प्रोफेशन. फॉर एग्जाम्पल, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एडवोकेट, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इंजीनियर, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एन डॉक्टर. तो हर एक प्रोफेशनल्स के अपने अपने कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसी को हम प्रोफेशनल एथिक्स बोल देते हैं. अच्छा, मतलब ये हुआ प्रोफेशनल एथिक्स का कि जैसे हम एडवोकेट हैं तो हमारे कुछ एथिक्स हैं, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमें ईमानदारी को दिखाना है, हम ईमानदार होने चाहिए, हमें जज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कोर्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो वैसे तो प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब क्या हुआ कि जो प्रोफेशन है उसको लेकर आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए, टीचर को लेकर आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए, एक वकील को लेकर आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए. अगर आप वकील हो तो आपका कैसा एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए क्लाइंट के प्रति, कोर्ट के प्रति, ओपोनेंट काउंसिल के प्रति. तो हर एक प्रोफेशन के अपने अपने कुछ रूल्स होते हैं, अपने अपने एथिक्स होते हैं, उसी को हम प्रोफेशनल एथिक्स बोल देते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, को लग गया पता आई थिंक. तो प्लीज़ आप हमें बता सकते हैं कि जो हम ये प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ रहे हैं इसमें हम कितने मेनली कितने एक्ट पढ़ेंगे, अगर बात की जाए एक्ट की. तो देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है. जो बच्चे वाइवा देने आते हैं उनको ये क्वेश्चन का आंसर का पता ही नहीं होता. उनको यही पता नहीं होता कि उनके सिलेबस में कितने क्वेश्चंस हैं, सिलेबस में कितने एक्ट्स हैं. तो ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सिलेबस में कितने एक्ट्स हैं. तो सबसे पहला सिलेबस में बेसिकली आपको 2 एक्ट्स हैं जो आप प्रोफेशनल एथिक्स, अकाउंटेंसी ऑफ लॉयर, बार बेंच रिलेशन, जो आपका सिलेबस है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें आप पढ़ोगे. पहला एक्ट है द एडवोकेट एक्ट 1961 और दूसरा एक्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971. ये दोनों ही एक्ट हमारे इस सब्जेक्ट में जो है वो सब्जेक्ट में दिए गए हैं और दोनों एक्ट जो है वो इंडिया में एडवोकेसी प्रोफेशनल को रेगुलेट करते हैं. अच्छा, तो मतलब हमें एडवोकेट्स एक्ट और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट पढ़ना पड़ेगा जो कि एडवोकेसी से डील करता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो आप हमें बता सकते हैं कि जो मेनली इंडिया में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम सभी ने सुना होगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, तो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ये किस एक्ट के अंडर कॉन्स्टिट्यूट की गई है? ठीक है जी, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि सुप्रीम लेवल की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि एडवोकेट्स को, पूरे कंट्री के एडवोकेट्स को रेगुलेट करती है, यह अथॉरिटी एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 3 में कॉन्स्टिट्यूट करी गई है. अर्थात कि जो 1961 का एडवोकेट एक्ट है उसी के अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का विवरण दिया गया है. ओके ओके, तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये कितनी कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं इसको? जो बार काउंसिल है इसको हम इसी कैटेगरी हो सकती है ना, क्या ये इंडिया के लेवल पे होता है, मतलब नेशनल लेवल पे, या ये बार काउंसिल लेवल पे होता है? देखो अगर बार काउंसिल की बात की जाती है गाइस, तो बार काउंसिल बेसिकली हम 2 लेवल पे डिवाइड कर सकते हैं. बेसिकली फर्स्ट है हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सेकेंड है हमारी स्टेट बार काउंसिल. लेकिन इसके साथ ही जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं उनके भी अपने बार एसोसिएशन होते हैं. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 3 लेवल पे हमारी बार काउंसिल हो सकती है. एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कि बार एसोसिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, एक स्टेट लेवल पे जो कि बार काउंसिल ऑफ स्टेट होती है, और एक नेशनल लेवल पे जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती है. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट द कैटेगरीज ऑफ बार काउंसिल. बार काउंसिल की कैटेगरीज 3 है मेनली, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे. और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया वो नेशनल लेवल पे होगी, है ना? बिल्कुल. तो प्लीज क्या हमें आप ये बता सकते हैं कि एक एडवोकेट बनने के लिए हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, हम कैसे एडवोकेट बन सकते हैं? बिल्कुल सर, एलिजिबिलिटी क्या है एडवोकेट बनने के लिए? अगर मैं एडवोकेट बनने की बात करूं तो एडवोकेट कौन बन सकता है, इसका जो आंसर हमें एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 24 में मिलता है. जो एडवोकेट एक्ट है 1961 का, उसका सेक्शन 24 हमें 3 प्रकार की क्वालिफिकेशंस बताता है अगर एक पर्सन एडवोकेट बनना चाहता है. सेक्शन 24 में 3 क्वालिफिकेशंस दी गई हैं. पहला है कि ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ कंट्री, सिटीजन ऑफ इंडिया. सेकंड इज ही मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 इयर्स, ही मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 इयर्स. और एंड थर्ड वन इज दैट ही मस्ट हैव अ डिग्री इन लॉ. तो 3 आपके पास अगर क्वालिफिकेशंस हैं तो आप एडवोकेट बनकर इंडिया के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो. सेक्शन 24 में ये 3 क्वालिफिकेशंस दी गई हैं. अच्छा, जो हमने भी बात की पीछे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शंस क्या हैं? ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो प्लीज क्या बताएंगे आप? देखिए, जब आपको एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है कि बार काउंसिल के फंक्शंस क्या हैं, इसके फंक्शंस 15-20 फंक्शंस हैं. लेकिन आपने उस टाइम 15-20
याद कर कर जाओगे तो आप सारे भूल जाओगे। तो आपने ट्राई ये करना है कि आप दो तीन फंक्शंस अपने माइंड में बिल्कुल रखो। सबसे पहला फंक्शन बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये है कि पूरे इंडिया के जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए रूल्स बनाने, रेगुलेशन बनाने, उनके लिए ड्यूटीज़ को फिक्स करना, राइट्स को फिक्स करना। तो जितना भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो बार काउंसिल पूरे इंडिया के एडवोकेट्स के लिए फिक्स करती है। दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा फंक्शन बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये है कि वो जो लो यूनिवर्सिटीज होती हैं या लो कॉलेजेस होते हैं उसको अप्रूवल देते हैं। अब हमारा जो अपना कॉलेज है इसको भी अप्रूवल मिली हुई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। कोई भी लो कॉलेज बिना बार काउंसिल के अप्रूवल के नहीं चल सकता। तो वी नीड टू हैव परमिशन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अप्रूवल ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये भी एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया का फंक्शन है। तीसरा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का फंक्शन है कि जितने भी स्टेट बार काउंसिल्स हैं उसको ये रेगुलेट करती है, उसको ये टाइम टू टाइम डायरेक्शन पास करती है कि आप अपने स्टेट में ऐसा ऐसा कीजिए और ये रूल्स बनाइए। तो ये भी इसका एक फंक्शन है। इसके अलावा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो कंट्री में लीगल एजुकेशन को सप्रेड करने के लिए काम करती है, लीगल कैंप्स लगाती है, लीगल सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करती है। तो ये चार पांच फंक्शन, जिसमें एक हो गया एडवोकेट्स के लिए रूल बनाना, दूसरा हो गया बार काउंसिल्स ऑफ स्टेट को कंट्रोल करना उसके लिए रूल्स बनाना, तीसरा हो गया एडवोकेट्स जो हैं जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए लास्ट में क्या बोला मैंने लीगल यस जो एजुकेशन है लीगल एजुकेशन उसको सेपरेट करना, सेमिनार ऑर्गेनाइज करना, लीगल एड लोगों को प्रोवाइड करवाना। ये फंक्शंस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी को भी अप्रूवल्स देना, यस दैट इज द मेन फंक्शन। लॉ से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया की फंक्शन तो आई थिंक हमें लग गया पता। बच्चों आपको जरूरी नहीं है कि आपको सारे याद करने हैं, जो सर ने बताया तीन भी आप बोल दो, आपका एग्जामिनर बहुत इम्प्रेस होगा, जो आपका आपके बाइबल लेने आए हैं सर बहुत खुश होंगे आपसे। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो बार काउंसिल ऑफ स्टेट है उनकी पावर या फंक्शन क्या है। हमने इंडिया की बात तो कर ली, अब जो स्टेट है जैसे हिमाचल प्रदेश के लेवल पे, हरियाणा के लेवल पे जो बार काउंसिल है उनके फंक्शन या पावर क्या है प्लीज। देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स के फंक्शन सिमिलर ही हैं, कोई डिफरेंट फंक्शन नहीं है। सबसे पहला फंक्शन जो बार काउंसिल ऑफ स्टेट का है वो ये है कि जो पर्सन लॉ की डिग्री पूरी कर लेता है तो उसको एज एन एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ स्टेट ही एनरोल करता है। तो सबसे पहला हो गया टू एडमिट द पर्सन एज एन एडवोकेट इन द रोल ऑफ स्टेट बार काउंसिल। जो स्टेट बार काउंसिल का रजिस्टर है जिसमें एडवोकेट्स की एंट्री होती है और एनरोलमेंट नंबर दिया जाता है, सबसे पहला फंक्शन स्टेट बार काउंसिल का ये है कि वहां पे एडवोकेट्स के एडवोकेट्स को लाइसेंस प्रोवाइड करवाना, एडवोकेट्स के लिए जो है वो उनका नाम एंटर करना एज एन एडवोकेट। दूसरा फंक्शन है कि लीगल एजुकेशन को सेपरेट करना। तीसरा फंक्शन है एडवोकेट्स जो स्टेट लेवल के हैं उनके लिए रूल्स बनाना, रेगुलेशन बनाना। और चौथा बड़ा ही महत्वपूर्ण फंक्शन मैं बताने वाला हूं कि बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पास पावर है कि अगर कोई एडवोकेट मिसकंडक्ट कर देता है, मिसकंडक्ट क्या होगा आगे क्वेश्चंस आएंगे उस टाइम क्लियर करेंगे, पहले आप जनरली समझ लीजिए। अगर कोई एडवोकेट मिसकंडक्ट कर देता है तो एडवोकेट्स का जो केस है जिसने मिसकंडक्ट किया है उसका केस ना तो सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, ना हाई कोर्ट में चलेगा, ना लोकल कोर्ट में चलेगा। केस किसके पास चलेगा? बार काउंसिल ऑफ स्टेट जो है उसकी डिसिप्लिनरी कमेटी के पास। तो ये भी फंक्शन है टू प्रोवाइड द पनिशमेंट टू पर्संस हु हैव कमिटेड द मिसकंडक्ट इन द प्रोफेशन। तो नया क्वेश्चन शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू धीरज कुमार जी इतनी प्रोत्साहन के लिए, मोटिवेशन के लिए, थैंक यू सो मच। और गाइस हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। इसके साथ नया क्वेश्चन अभी शुरू करते हैं। तो जो जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो ये भी है कि आप लोग एडवोकेट बनने जा रहे हो, तो ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर जो बाइबल लेने आते हैं वो पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन एडवोकेट। तो ये राइट्स आप बताओगे, बता दो राइट्स एंड प्रिविलेज, राइट्स के लिए बता दो राइट्स एंड प्रिविलेज क्या है एडवोकेट की। देखो व्हेन अ पर्सन बिकम्स एन एडवोकेट तो उसके कुछ एक राइट्स उसको मिल जाते हैं और वो राइट्स या प्रिविलेजेस उसको मिलती हैं। सबसे पहला राइट है उसका राइट टू डू प्रैक्टिस इन द कोर्ट्स। सबसे पहला राइट एडवोकेट का ये है कि वो किसी भी कोर्ट में पूरे इंडिया में प्रैक्टिस कर सकता है, वो किसी के बिहाफ में केस को फाइट कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है किसी को। हर कोई पर्सन वो नहीं कर सकता, वो केवल एक एडवोकेट कर सकता है जिसके पास लाइसेंस है। पहला राइट ये हो गया। दूसरा राइट है राइट टू फी। एक एडवोकेट के पास राइट है
कि अगर वो किसी का काम कर रहा है, किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो उसकी फीस की, अपनी फीस की डिमांड कर सकता है, और जो उसकी फीस होगी दैट विल नॉट डिपेंड अपॉन द विनिंग और लूजिंग ऑफ द केस। केस हारेगा वो या जीतेगा उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, जो उसकी अपनी फीस है वो क्लाइंट से लेगा ही लेगा, चाहे वो केस हार जाता है या जीत जाता है। उसके बाद तीसरा जो राइट एडवोकेट का, वो ये है कि राइट टू लियन। लियन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो एडवोकेट के पास उस अपने क्लाइंट के पेपर्स हैं वो उनके ऊपर पोजेशन कायम रख सकता है जब तक कि उसको उसकी फीस वापस ना मिल जाए। एडवोकेट ने काम किया, उसको उसकी फीस नहीं मिल रही है, तो वो जब तक उसको फीस ना मिल जाए वो क्लाइंट के जो पेपर्स हैं, इंपॉर्टेंट पेपर सारे, वो उनके ऊपर लियन क्रिएट कर सकता है, उनके ऊपर पोजेशन क्रिएट कर सकता है कैमरा हिल गया पूरा, हिला कैमरा। गाइस आई एम सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, दो मिनट रुकिए। तो भाई तू करना, मुझे लगे पता कैसे करना है। पुलिस को ध्यान रोहित का, ओके बजा, तू बजा कर देना। क्या ठीक है, ठीक है, तो मैं उसको नहीं पहनना कर रही, थोड़ा सा नीचे से गाइस बोर्ड थोड़ा गलत दिख रहा है, बोर्ड तुम थोड़ा ठीक कर लें बोर्ड को। गाइस दो मिनट रुको, बोर्ड ठीक करने के बाद गाइस ठीक दिख रहा है बोर्ड आपको भी, थोड़ा बोर्ड पे ले बस, ठीक है मनीष, ठीक है देखा। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो लियन की बात कर रहे थे हम लोग, तो एक एडवोकेट के पास राइट है कि वो अपने क्लाइंट के पेपर्स के ऊपर लियन क्रिएट कर सकता है। लियन मींस उन पेपर्स को अपनी पोजेशन में रख सकता है जब तक उसको उसकी फीस ना मिल जाए। उसके बाद एक एडवोकेट की प्रिविलेज है कि एक एडवोकेट ही कैन बिकम मजिस्ट्रेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफरेंट ऑफिसेज ही कैन होल्ड, वो ऑफिसेज को होल्ड कर सकता है। ये भी एडवोकेट की एक अपनी प्रिविलेज है। इसके अलावा राइट अगेंस्ट अरेस्ट, एक एडवोकेट के पास राइट है कि जब वो केस फाइट करने जा रहा हो अपने क्लाइंट का, या केस को रिप्रेजेंट करके वापस आ रहा हो, इस दौरान उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। किसी भी क्राइम में अरेस्ट करना है आप उसको, जब वो एडवोकेट के रूप में, ऑफिसर ऑफ कोर्ट के रूप में नहीं होगा तब अरेस्ट कीजिएगा, लेकिन आप ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग या वाइल गोइंग टू टेक द अटेंड द प्रोसीडिंग और कमिंग बैक फ्रॉम द कोर्ट आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। दिस इज ऑल्सो द राइट ऑफ एडवोकेट। तो जो नया क्वेश्चन, ये राइट्स हो गया, आपको लग गया होगा पता क्या राइट्स हैं एडवोकेट के। अब जो है क्वेश्चन वो ये है कि एडवोकेट की ड्यूटी कितनी है।
ड्यूटीज़ क्या है एडवोकेट्स की? देखिए स्टूडेंट्स, ड्यूटीज़ एडवोकेट की डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। ड्यूटीज़ टूवर्ड कोर्ट भी हो सकती है, टूवर्ड क्लाइंट भी हो सकती है, टूवर्ड हिमसेल्फ भी हो सकती है, टूवर्ड प्रोफेशन भी हो सकती है, टूवर्ड सोसाइटी भी हो सकती है, टूवर्ड ओपोनेंट काउंसिल की भी हो सकती है, टूवर्ड ओपोनेंट क्लाइंट भी हो सकती है। तो ड्यूटीज़ एडवोकेट की आपसे ये पूछेंगे, ड्यूटीज़ ऑफ एडवोकेट टूवर्ड कोर्ट, कोर्ट के प्रति क्या ड्यूटीज बनती है एडवोकेट की। सबसे पहली कोर्ट के प्रति मैं बताऊंगा आपको दो तीन ड्यूटीज। सबसे पहली कोर्ट के प्रति ड्यूटी बनती है ड्यूटी टू गिव रिस्पेक्ट। एक एडवोकेट की ड्यूटी है कि वो रिस्पेक्ट दे। अब कोर्ट में रिस्पेक्ट कैसे देगा? वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाए, प्रॉपर वो अपना शूज़ के ब्लैक हों, वो वहाँ जाके अपना फ़ोन साइलेंट पे रखे, अपना फ़ोन उसका बजे ना वहाँ पे ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स। तो ये कोर्ट के प्रति रिस्पेक्ट मानी जाएगी। सेकेंड जो ड्यूटी टू वर्ड कोर्ट है, पहले तो ड्यूटी टू रिस्पेक्ट होगी, दूसरी ड्यूटी टू अटेंड हियरिंग। तो एक एडवोकेट की ड्यूटी है कि वो हियरिंग को अटेंड करे। हियरिंग को अटेंड करने का मतलब है कि जो केस उसका है उसको प्रॉपरली जाए, वहाँ पे अटेंड करे और वहाँ जाकर उस केस को अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करे और केस में डेट्स ना ले आगे, लगातार उसको जाके अटेंड करे। तीसरा जो उसकी ड्यूटी बनती है टूवर्ड कोर्ट, वो बनती है ड्यूटी टू रिसीव जजमेंट। जिस दिन जजमेंट आएगी वो उसको रिसीव भी करे, चाहे उसके फेवर में हो चाहे उसके अगेंस्ट हो, लेकिन वो जजमेंट को रिसीव करे और अपने क्लाइंट को बताए। उसके बाद अगली ड्यूटी बनती है टूवर्ड कोर्ट ड्यूटी टू हेल्प द कोर्ट फॉर रीचिंग इन द टू प्रोवाइड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो एक ड्यूटी बनती है एडवोकेट की कि वो प्रॉपर एविडेंस पेश करे, प्रॉपर विटनेसेस, सही विटनेसेस पेश करे और एज ए ऑफिसर ऑफ कोर्ट अपनी ड्यूटी निभाते हुए वो क्या करे, वो कोर्ट की हेल्प करे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में। तो ये कुछ ही ड्यूटीज़ हैं टूवर्ड कोर्ट। अब अगर मैं ड्यूटीज़ टूवर्ड क्लाइंट की बात करूँ, जो क्लाइंट है उसके प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, तो सबसे पहली ड्यूटी क्लाइंट के प्रति बनती है ड्यूटी टू लिसन द क्लाइंट केयरफुली एंड देन गिव द फ्रैंक एडवाइस। सबसे पहली ड्यूटी ये बनती है कि वो अपने क्लाइंट को ध्यान से सुने, क्लाइंट क्या बोल रहा है, उसका क्वेश्चन, उसका केस क्या है। जब तक वो सुनेगा नहीं तो उस केस को वो सॉल्व नहीं कर सकता। तो एडवोकेट की ड्यूटी है कि वो क्लाइंट को ध्यान से सुने, उसके बाद उसको फ्रैंक एडवाइस दे कि अगर वो क्लाइंट का केस वो जीत नहीं सकता, क्लाइंट किसी भी हालत में, उसे बोल दे कि भैया आप इसमें कोई आपस में सलाह मशवरा कर लो, आपस में आपका केस वीक है, वीक आप नहीं जीत पाओगे, तो आप आगे केस मत बढ़ाइए, इससे नुकसान हो सकता है, तो वो फ्रैंक एडवाइस दे जैसा भी हो। दूसरा ड्यूटी टू वर्ड क्लाइंट क्या बनती है, टू डू अटमोस्ट फॉर हिज क्लाइंट, जितना हो सकता है वो क्लाइंट के लिए करे, जितना हो कोशिश हो वो क्लाइंट के लिए पूरी जी जान लगाकर अपनी पूरी डेडिकेशन से, एंथुनियाज्म से वो पूरा केस फाइट करे और क्लाइंट के लिए वो आगे रिप्रेजेंट हो, क्लाइंट को रिप्रेजेंट करे एक पूरी डेडिकेशन से। उसके बाद क्लाइंट के प्रति उसकी ड्यूटी बनती है कि वो क्लाइंट से अनरीजनेबल फीस ना ले। हम फीस लें तो उसका राइट है, लेकिन फीस वो रीजनेबल फीस ले, जो बनती है अनरीजनेबल फीस ना ले। अगली ड्यूटी क्लाइंट के प्रति ये बनती है कि ड्यूटी नॉट टू डिमांड द शेयर्स आउट ऑफ द लिटिगेशन। अगर क्लाइंट का वो केस फाइट कर रहा है तो ये उसका राइट नहीं बनता, ये गलत होगा अगर वो बोलेगा कि मैं तेरा केस अगर जीत गया तो इतनी जो लैंड है वो मुझे देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई लैंड का केस है तो एडवोकेट बोलता है कि भाई मैं तेरा केस लड़ूंगा, फाइट करूंगा, केस तो जीत जाता है, तो तेरे 20 किले की जमीन है, 20 किले में तुझे 10 किले मुझे देने पड़ेंगे, नहीं तो तुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, मैं तेरा केस जितवाऊंगा, तुझे किले दिलवाऊंगा सारे 20 किले पर 10 किले मुझे मेरे नाम करने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे एग्रीमेंट्स में उसे नहीं एंटर होना चाहिए एक एडवोकेट को, ये क्लाइंट के प्रति उसकी ड्यूटी बनती है। तो ये कुछ ही ड्यूटीज आपने ध्यान में रखनी है, 3-4 आप दिमाग में रख ले काफी है, आपको सारी याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे ड्यूटी 10-15 भी हो सकती है, आपने 3 या 4 ऐसी मन में रखनी है कि आप तुरंत आंसर दो, वैसे ही जो बाइबल ले रहे हैं वो अगला क्वेश्चन पुट कर देंगे आपको। तो आप प्लीज बताएं ड्यूटी टुवर्ड ओपोनेंट क्या रहेगी हमारी, ओपोनेंट काउंसिल या ओपोनेंट क्लाइंट के प्रति हमारी ड्यूटीज बनती है। सबसे पहले ओपोनेंट काउंसिल के प्रति ड्यूटी बनती है कि जो ओपोनेंट काउंसिल है उसको ध्यान से सुने, उसकी बात मतलब एडवोकेट की बात की जाए, ध्यान से सुने उसकी बात को, अगर वो कुछ बोल रहा है और आर्गुमेंट्स कर रहा है तो उन आर्गुमेंट्स के बीच में इंटरफेरेंस क्रिएट ना करें, आर्गुमेंट्स उसको आराम से देने दें, ये उसकी ड्यूटी बनती है। दूसरा उसकी ड्यूटी बनती है कि वो जो दूसरा ओपोनेंट काउंसिल है उसके प्रति वो फेयर रहे, उसके प्रति वो फेयर रहे, कोई भी अनरीजनेबल मीन्स वो अनरीजनेबल मीन्स को वो चूज ना करे केस को जीतने के लिए। उसके बाद ओपोनेंट काउंसिल के प्रति उसकी ड्यूटी बनती है कि वो ओपोनेंट काउंसिल का जो क्लाइंट है उससे डायरेक्टली ना मिले।
अगर उसने दूसरे क्लाइंट से मिलना है तो पहले वकील से बात करे, वकील के थ्रू वो उसके क्लाइंट से मिले, डायरेक्ट उससे ना मिले। तो ये कुछ ही ड्यूटीज उसकी ओपोनेंट काउंसिल या ओपोनेंट, और ओपोनेंट क्लाइंट के प्रति भी यही ड्यूटी बनती है कि देखो एक एडवोकेट जो केस फाइट कर रहा है, चाहे वो किसी के अगेंस्ट केस लड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उस बंदे के साथ दुश्मनी डाल लेगा, मैं इसके अगेंस्ट केस फाइट कर रहा हूँ अब ये मेरा दुश्मन हो गया, ऐसा नहीं होता। ये लीगल प्रोफेशन है, इसका मेन पर्पस सर्विसेज देना है, पैसा कमाना नहीं है। तो अगर आप किसी के बिहाफ में केस फाइट कर रहे हो तो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा पर्सन जिसके अगेंस्ट हो आप वो आपका दुश्मन है, नहीं, आपने एक इंटीग्रिटी फ्रैटर्निटी की भावना को लेकर केस को फाइट करना है, भाईचारा बना के रखना है, मतलब बोलने का लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए आपके मन में, किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। तो अब आगे जो ड्यूटी है वो एडवोकेट की है टुवर्ड प्रोफेशन, एक एडवोकेट की अपने प्रोफेशन को लेकर कुछ ड्यूटीज हैं। तो सबसे पहली ड्यूटी सिंपल सी प्रोफेशन के प्रति ये बनती है कि प्रोफेशन की जो डिग्निटी है उसको मेंटेन रखना। हमारा जो लो प्रोफेशन है ये कोई ऐसा वैसा प्रोफेशन नहीं है, सदियों से चला आने वाला प्रोफेशन है। हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे वो उन्होंने इस प्रोफेशन को ऑप्ट किया था इंडिपेंडेंस के बाद, हमारे पास इस प्रोफेशन को एक रिस्पेक्ट है हमारे मन में। तो एक जो डिग्निटी बनी है इस प्रोफेशन की, जिसका पर्पस सर्विसेज देना है, इस डिग्निटी को मेंटेन रखना है। दूसरा प्रोफेशन के प्रति ड्यूटी ये बनती है कि प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करनी है आपने। अगर आप एडवोकेट हो तो बीइंग एडवोकेट आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि आपके प्रोफेशन की धज्जियाँ उड़ जाएं, आपने रिस्पेक्ट करनी है प्रोफेशन की, आपने किसी अनरीजनेबल फेयर नहीं फीस नहीं लेनी है, आपने इस प्रोफेशन का सहारा लेकर कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो क्राइम है। तो ये आपकी प्रोफेशन के प्रति भी कुछ एक ड्यूटीज बनती हैं। इसके बाद इंटरेस्ट ऑफ प्रोफेशन इज ऑलवेज हाई, अपने अपने प्रोफेशन का इंटरेस्ट हमेशा हाई रखना है। देन होनेस्ट पर्सन मस्ट बी होनेस्ट टुवर्ड हिज प्रोफेशन आल्सो। तो अभी जो है वो ड्यूटी टुवर्ड इटसेल्फ भी होती है, अपने प्रति एडवोकेट की अपने लिए क्या ड्यूटीज हैं वो प्लीज बता दीजिए। तो देखो एक एडवोकेट की अपने प्रति ड्यूटी सबसे पहले ये है कि ड्यूटी टू रिस्पेक्ट। जब तक वो अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेगा वो ओपोनेंट काउंसिल की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, जज की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, कोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। तो सबसे पहली ड्यूटी उसकी ये बनती है कि वो अपनी रिस्पेक्ट करे, अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करे, अपनी डिग्निटी रिस्पेक्ट करे। अपनी प्रोफेशन की रिस्पेक्ट कैसे करेगा वो, मतलब समझा नहीं मैं। अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करने का मतलब ये है कि उसका जो प्रोफेशन है, उसको एक एडवोकेसी का लाइसेंस मिला है, वो एक एडवोकेट है, तो वो कोई भी ऐसा काम ना करे जो उसके प्रोफेशन के अगेंस्ट हो। अर्थात वो एडवोकेट है और एडवोकेट के वेशभूषा में वो कोई क्राइम कमिट कर रहा है, वो वाइट कॉलर क्राइम कर रहा है। वो वाइट कॉलर क्राइम क्या होते हैं कि आप किसी प्रोफेशन के होते हुए आप क्राइम करते हो, क्योंकि आपको नॉलेज है तो आप क्राइम कर रहे हो। तो आप एडवोकेट, उसका मतलब ये नहीं कि आप क्राइम कमिट करोगे। अपनी रिस्पेक्ट का मतलब है कि आपकी जो है अपने प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इन द सेंस कि अपने प्रोफेशन को ऊंचा मानना है, प्रॉपर अपने ब्लैक कोट, अपने जब भी कोर्ट जाओ तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है, प्रॉपर यूनिफॉर्म, प्रॉपर टाई आपकी होनी चाहिए, जो दिखाता है कि आपका अपने प्रोफेशन के प्रति कितनी डिग्निटी है। आपने अपने प्रोफेशन को लो नहीं करना है कि हमारा प्रोफेशन तो कुछ है ही नहीं। तो इन सभी क्वेश्चनों के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है उसका आंसर प्लीज दे दीजिए आप। क्वेश्चन है कि हु इज सीनियर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट कौन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एडवोकेट एक्ट 1961 में एडवोकेट्स की एक क्राइटेरिया दिया गया है, सीनियर एडवोकेट को वहाँ पे बताया गया है। तो सीनियर एडवोकेट क्या होता है, सीनियर एडवोकेट एक ऐसा एडवोकेट है जिसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करते हैं कि यू आर सीनियर एडवोकेट। और वो क्यों डिक्लेयर करेंगे, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, हिज प्रोफेशनल नॉलेज, हिज इंटीग्रिटी, हिज ऑनेस्टी टूवर्ड प्रोफेशन। तो जब एक एडवोकेट जो है उसको अपने प्रोफेशन में एक्सपीरियंस हो जाता है, वो अपने प्रोफेशन के प्रति एक ईमानदार होता है, ऑनेस्ट होता है, उसके प्रोफेशन के प्रति इंटीग्रिटी होती है, तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, मैं दो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लोअर कोर्ट की बात नहीं कर रहा, ये किसी पर्सन को सीनियर एडवोकेट होने का जो है वो उसे बताते हैं सीनियर एडवोकेट कि वो सीनियर एडवोकेट है। मुझे और एक बार देख लेते हैं किसी बच्चे को क्वेश्चन तो नहीं है। तो एक क्वेश्चन था मेरा कि सीनियर एडवोकेट क्या एज के लिहाज से बोला जाता है। गाइज अब बेसिकली गर्मी हो गई है, पंखा ही बंद है और अब सच में गर्मी हो गई है। होली आज ना, होली के बाद तो वैसे गर्मी हो जाती है। तो गाइज लाइक करते हैं वीडियो को, वीडियो में लाइक बड़े कम हुए हैं अभी तक, तो लाइक करते जाएं प्लीज़, लाइक नहीं किया है तो। तो सीनियर एडवोकेट जो है वो कोई एज के अनुसार नहीं होगा,
एक एडवोकेट जो बहुत ज़्यादा एज का है, हो सकता है वो सीनियर एडवोकेट का दर्जा उसको नहीं मिले। सीनियोरिटी का बेस जो है वो एज नहीं होगा, सीनियोरिटी का बेस उसका नॉलेज होगा, उसकी इंटीग्रिटी होगी, उसका इंडस्ट्री, उसका हार्ड वर्क कितना है अपने प्रोफेशन को लेके वो होगा, उसने कैसे कैसे केस को फाइट किया है, कैसे कोर्ट्स के सामने केस को रिप्रेजेंट किया है, कैसे कोर्ट में उसने हेल्प करी है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, इन सभी चीज़ों के बेस पर हम उसे सीनियर एडवोकेट का दर्जा देंगे, उसकी एज के बेस पर नहीं देंगे। ओके, मतलब एक कम एज का व्यक्ति सीनियर एडवोकेट माना जा सकता है, इवन दो एक उससे ज़्यादा एज का व्यक्ति नहीं भी माना जा सकता। तो ये डिपेंड करता है उसके काम पे, उसके हार्ड वर्क पे, कितने सालों से कोर्ट में है, कैसा काम किया है, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है उस एडवोकेट को लेके, है ना। तो अब ये क्वेश्चन है कि क्या जो हमारा कोर्ट है, तो कोर्ट में ऑफिसर ऑफ कोर्ट किसको कहा जाता है, जज होता है या ऑफिसर ऑफ कोर्ट, या किसे ऑफिसर ऑफ कोर्ट कहा जाता है? देखिए, अगर मैं ऑफिसर ऑफ कोर्ट की बात करूं तो हमारा जो एडवोकेट है उन्हीं को ऑफिसर ऑफ कोर्ट बोला जाता है। एडवोकेट इज़ एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट। तो एक एडवोकेट इज़ अ पर्सन हु इज़ ऑफिसर ऑफ कोर्ट बिकॉज ही हेल्प्स द जजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। वो जजेस को एक्चुअल में डिसीजन देने के लिए हेल्प करते हैं, जजेस के सामने एविडेंस लेकर आते हैं, फैक्ट्स लेकर आते हैं, आर्गूमेंट्स लेकर आते हैं, और उन्हीं बातों को सुन के जज साहब जो वो डिसीजन देते हैं। इसलिए जो हमारे एडवोकेट हैं उन्हीं को हम ऑफिसर ऑफ कोर्ट बोलते हैं। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जनरली पूछ लिया जाता है, मुझसे भी पूछा गया था जब मैंने वाइवा दिया था, कि हु इज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, AOR, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है, पहली बात, ये सुप्रीम कोर्ट में होता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में होता है। मैं आपको दो तीन बातें बोलूँगा, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 145 है, वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने कोर्ट में रेगुलेशंस बना सकता है, कोर्ट के लिए एडवोकेट्स के लिए रूल्स बना सकता है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना सकता है। तो हमारे 145 तो यहीं से कंसेप्ट आता है हमारे एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड का। हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने रूल्स बनाए हैं और उन रूल्स के अनुसार वहाँ पे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की बात करी गई है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक ऐसा पर्सन होता है जो सुप्रीम कोर्ट में एक पर्टिकुलर सीनियर एडवोकेट, वो सीनियर एडवोकेट नहीं होता। पहली बात ये याद करिए आप, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होगा वो सीनियर एडवोकेट नहीं होगा। सीनियर एडवोकेट डिफरेंट थिंग है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड डिफरेंट थिंग है। पहले आप ये बात याद कर लें, जो एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट में एक प्रॉपर टेस्ट है, उसको क्वालिफाई करने के बाद पर्सन बनता है। लेकिन वो टेस्ट पर्सन ऐसे नहीं दे सकता, उस टेस्ट को देने के लिए पर्सन को पहले एक साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पर्सन के पास। जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पर्सन होगा इसके पास वो ट्रेनिंग लेगा, उसके बाद वो टेस्ट देगा, फिर उसको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मान लिया जाएगा। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बेसिकली वो पर्सन है जो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइट कर सकता है, केस लड़ सकता है। या तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड केस लड़ सकता है कोर्ट में, या इसके बिहाफ में अगर ये ना हो तो ये किसी पर्सन को भेज सकता है कि मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैं केस नहीं लड़ूंगा, आप जाइए केस लड़ के आइए। जिसको ये परमिशन देगा वो केस लड़ सकता है। बोलने मतलब क्या हुआ, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बेसिकली इज अ पर्सन हु हैज राइट टू फाइल वकालतनामा इन सुप्रीम कोर्ट, हु हैज राइट टू फाइट केस एंड रिप्रेजेंट द पर्सन इन सुप्रीम कोर्ट, हु आफ्टर टेकिंग द 1 year ट्रेनिंग फ्रॉम द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पर्सन क्वालिफाई द टेस्ट एंड देन बिकम द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स बनाए हैं, उन्हीं रूल्स में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की बात करी गई है। तो क्वालिफिकेशन इसकी जो आपने बताई यही रहेगी? हाँ, सबसे पहले पर्सन जो है स्टेट बार काउंसिल में जो है वो एनरोल होना चाहिए। जो पर्सन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनना चाहता है पहले वो किसी भी स्टेट में एनरोल होना चाहिए एज एन एडवोकेट। उसके बाद वो 3-4 साल की प्रैक्टिस करे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाके 1 साल की ट्रेनिंग ले, फिर टेस्ट क्वालिफाई करे, फिर वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन जाएगा। मतलब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का सीधा जो संपर्क है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ ही है, मतलब हाई कोर्ट में आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलेगा। ये बात याद रखना। वो पूछ लेते हैं कि हाई कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है क्या, आपने बोला नहीं। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी लाइक कर लें, और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कॉन्ट्रीब्यूट जरूर करें। हम अपना गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर सारा यहाँ पर लिख रहे हैं, 8219820461। ये हमारा गूगल पे, पेटीएम,
फ़ोनपे सभी में अवेलेबल है, आप हमें कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं हमारी मेहनत के लिए, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं आप हमें, तो आप इसके ज़रिए हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप करना चाहो तो प्लीज़ जरूर करें, और ये हर किसी के लिए कंपलसरी नहीं है, जो जो नहीं कर सकता, फाइनेंशियली वीक है वो ना करें, पर जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, जो कर सकता है वो जरूर करें, ताकि हमें कुछ मोटिवेशन मिले, हमें कुछ फाइनेंशियली एड मिले। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, जो कर सकता है वो जरूर करें। तो जो अब इसी के साथ आगे नया क्वेश्चन करते हैं, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज़ मिसकंडक्ट बाय एडवोकेट, मिसकंडक्ट बाय एन एडवोकेट, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो एडवोकेट एक्ट है 1961 का, इसने एडवोकेट्स को ड्यूटीज़ दी हैं, इसने एडवोकेट्स को कुछ डिसेबिलिटीज़ दी हैं, इसने एडवोकेट्स के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया है, एडवोकेट्स के अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, कैसे उन्होंने बिहेव करना है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। तो जब एक एडवोकेट इन चीज़ों को नहीं मानता, व्हेन एन एडवोकेट वायलेट्स द रूल्स और ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, और वायलेट्स द प्रोफेशनल रूल्स ऑफ अ पर्सन, तो उसको बोलते हैं उसने मिसकंडक्ट कर दिया। तो मिसकंडक्ट का मतलब क्या है कि आप अपना बिहेवियर प्रॉपर नहीं कर रहे, आप प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, आप अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, आप अपने जो आपके रूल्स बने आप उनको फॉलो नहीं कर रहे, उसको हम मिसकंडक्ट बोल देते हैं। तो व्हाट इज़ मिसकंडक्ट बेसिकली, मिसकंडक्ट मीन्स एंड कंडक्ट विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन पर्सन, एंड कंडक्ट विच इज़ अनरीजनेबल एंड विच इज़ डन बाई ए पर्सन, विच शुड नॉट बी डन बाई ए पर्सन। तो चलो मिसकंडक्ट का चल गया पता कि एडवोकेट मिसकंडक्ट कब करता है, क्या होता है, पर अगर बस एक बात याद रख लें, एक बात याद रख लें, जितनी भी एडवोकेट की ड्यूटीज़ हैं, कोर्ट की रिस्पेक्ट करना, कोर्ट में प्रॉपरली यूनिफॉर्म में जाना, फोन को साइलेंट करना, अगर उसने एक भी बात नहीं मानी, मतलब उसने मिसकंडक्ट कर दिया। अगर कोर्ट में जाता है पर्सन बिना यूनिफॉर्म के, वो मिसकंडक्ट कर रहा है। कोर्ट में पर्सन जाता है फोन साइलेंट में नहीं है, वो मिसकंडक्ट कर रहा है। कोर्ट में पर्सन जाता है और वहाँ जाकर वो कोई कोर्ट की डिग्निटी को मेंटेन नहीं करता, लड़ने लग पड़ता है किसी के साथ, वो मिसकंडक्ट है, न्यूसेंस क्रिएट करता है, लड़ाई झगड़ा करता है कोर्ट में, कोर्ट के जो वहाँ पे शांति है डिसिप्लिन को खत्म करता है, ये मिसकंडक्ट में आ जाएगा। जैसे कोर्ट जो ये एडवोकेट एक्ट है वो बोलता है कि कोई भी एडवोकेट अपने आप को एडवर्टाइज नहीं करेगा, बड़े बड़े पोस्टर नहीं लगाएगा, जैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं बंदे अपने ना, अब दुकानदार भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हॉस्पिटल्स वाले भी करते हैं, एडवोकेट में आप एडवोकेसी में आप अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, अलाउ नहीं होता है, और कर देते हो आप तो आपने मिसकंडक्ट कर दिया। तो जो ड्यूटीज है आपकी आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, मतलब आप मिसकंडक्ट कर रहे हो। ओके, इन शॉर्ट इफ यू आर नॉट फॉलोइंग योर ड्यूटीज देन यू आर डूइंग द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि मिसकंडक्ट अगर कर दिया एडवोकेट ने तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, कौन देगा, प्रोसीजर क्या रहेगा उसे पनिश करने का एडवोकेट। देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक टर्म है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एक टर्म है मिसकंडक्ट, दो टर्म्स है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और मिसकंडक्ट, और दोनों टर्म अलग अलग है, दोनों की पनिशमेंट अलग अलग है, दोनों के केस कौन डील करेगा वो अथॉरिटीज अलग अलग है, दोनों में कंफ्यूज ना हो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आगे देखेंगे तब डिफरेंस भी बता दूंगा, अभी फिलहाल मिसकंडक्ट भी आई है। तो मिसकंडक्ट अगर कोई एडवोकेट करता है तो उसका जो केस है वो कंसर्न बार काउंसिल ऑफ स्टेट या सुप्रीम कोर्ट में मिसकंडक्ट किया है तो कंसर्न सुप्रीम कोर्ट की जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके अंदर उसके पास वो केस जाता है, और उसका जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट बार काउंसिल है उसकी अपनी एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, अपनी एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, और उस डिसिप्लिनरी कमेटी के पास वो मैटर रेफर कर दिया जाता है। मतलब क्या हुआ, किसी एडवोकेट ने मिसकंडक्ट किया तो केस जाएगा बार काउंसिल के पास, बार काउंसिल इंडिया या बार काउंसिल स्टेट जहां भी मिसकंडक्ट होगा, और जब केस वहां चला गया तो वो क्या करेंगे, वो मैटर रेफर कर देंगे अपनी डिसिप्लिनरी कमेटी के पास। अब डिसिप्लिनरी कमेटी के पास चार प्रकार से वो ऑर्डर पास कर सकती है। डिसिप्लिनरी कमेटी एडवोकेट को बुलाएगी, फिर वो पूछेगी उससे भी तूने ऐसा क्यों किया, उसका ऑडियो अल्टम पार्टम हियर द बोथ पार्टी, उसको भी सुनेगी, एडवोकेट को बिना सुने डिसीजन तो देगी नहीं, एडवोकेट पूरा पक्ष रखेगा। उसके बाद सबसे पहला ऑर्डर क्या कर सकती है, वो क्या कर सकती है, सबसे पहले ऑर्डर में वो उस कंप्लेंट को डिसमिस कर सकती है। मान लो किसी एडवोकेट के ऊपर किसी ने कंप्लेंट करी है, ये मिसकंडक्ट कर रहा है, अपने आप को एडवर्टाइज कर रहा है, या कुछ भी मिसकंडक्ट की, या रिश्वत ले रहा है, या कुछ कर रहा है, रिश्वत दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो सबसे पहला तो ये करेगा वो बार काउंसिल जो है, सॉरी उसी जो डिसिप्लिन
डिसिप्लिनरी कमेटी है उसे लगता है कि ये झूठी कंप्लेंट है, वो डिसमिस कर देगी कंप्लेंट को। दूसरा वो ऑर्डर क्या पास कर सकती है, टू रेप्रीमांड द एडवोकेट। रेप्रीमांड का मतलब होता है एडवोकेट को डांट कर, उसे थोड़ा डांटना, उसे डांट दिया ऐसा आगे से नहीं करना है, आगे से मतलब इस बार तूने बस फोन साइड, तेरा फोन बजा एक बार तो चलो ठीक है, इस बार तूने मिसकंडक्ट कर दिया, अगली बार फोन ना बजे और फोन को साइलेंट करके आया कर, तू अभी मतलब दिमाग खराब है ठीक करने में, थोड़ा सा उसे डांट कर उसे भेज दिया। दूसरी ये रेप्रीमांड कर दिया। दूसरा ये है, पहला हो गया डिसमिस द कंप्लेंट, कर द फोन, पहला हो गया डिसमिस द कंप्लेंट, दूसरा रेप्रीमांड द एडवोकेट, तीसरा जो है वो है उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया, 2 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए, टू सस्पेंड द लाइसेंस ऑफ एडवोकेट। और एक बात ध्यान रखें, अगर एक बार एडवोकेट का लाइसेंस सस्पेंड हो गया, किसी एक बार काउंसिल ने सस्पेंड कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे इंडिया में वो कहीं और जाके प्रैक्टिस कर लेगा। हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल ने उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया, वो गया पंजाब में जाकर प्रैक्टिस कर रहा है, नहीं कर सकता वो किसी भी बार काउंसिल में प्रैक्टिस नहीं कर सकता जब तक उसका लाइसेंस सस्पेंड है। और लास्ट जो ऑर्डर हुई है, टू स्ट्रक डाउन द नेम ऑफ द एडवोकेट फ्रॉम द रोल और टू रिमूव द नेम ऑफ द एडवोकेट फ्रॉम द रोल। जो रोल है स्टेट रोल या जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रोल है रजिस्टर्ड है, उससे से उसका नाम ही हटा देना, वो एडवोकेट ही नहीं रहा। तो चार मैंने आपको बताए क्या क्या ऑर्डर पास हो सकती है, मतलब बार काउंसिल कंप्लेंट को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी चार ऑर्डर पास कर सकती है। पहली है कि वो कंप्लेंट को डिसमिस कर सकती है, दूसरी है एडवोकेट को रेप्रीमांड करके डरा धमका के उसको वार्निंग देके छोड़ दिया, तीसरा उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया कुछ मंथ के लिए, और चौथा है उसका नाम ही हटा दिया एडवोकेट के रूप में से। वेरी गुड। तो सर एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, तो इस बात का पता हमें कहाँ चलता है और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब भी क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ये बात से कैसे पता चलती है? क्या एडवोकेट एक्ट में लिखा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ, सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, हाई कोर्ट भी एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करूँ तो आर्टिकल 129 हमें बताता है कि सुप्रीम कोर्ट इज एन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। वहीं पर अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूँ तो आर्टिकल 215 ये हमें बताता है कि हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा आर्टिकल, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आर्टिकल 129 और 215 जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में बताता है कि ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। मतलब कि एडवोकेट एक्ट नहीं बताता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो आर्टिकल 129 और 215 है, इसमें बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी केस, जितनी भी जजमेंट्स पास की जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट के जरिए, हाई कोर्ट के जरिए, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करता है सुप्रीम कोर्ट। सदियों पुरानी जजमेंट्स और उनका जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, इसका मतलब है कि वो जजमेंट अब आगे लॉ बन जाएंगी, प्रेसिडेंट बन जाएंगी, अब वो जजमेंट बाकी जो कोर्ट्स हैं वो उसको फॉलो करेंगे, उन जजमेंट्स को पढ़ेंगे, उनको फॉलो करेंगे, वो लॉ बन जाएंगी। तो ये मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पूरे जितने भी हाई कोर्ट है कंट्री में उनके ऊपर बाइंड रहेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर बाइंड रहेगी, सभी के ऊपर बाइंड रहेगी सुप्रीम कोर्ट की। 141 आर्टिकल बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये वाली बात। पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट खुद पे कभी बाइंड नहीं होते, ये बात याद रखना। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी वो खुद पे बाइंड नहीं है, बाकी हाई कोर्ट पे बाइंड होगी। वैसे हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, जितने भी उसके अंडर हाई कोर्ट के अंडर जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनके ऊपर बाइंड होगी। ठीक है जी। और उनके पास पावर है कि वो अपने केसेस का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं मेंटेन। और साथ ही साथ इन्हीं आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो पर्सन को पनिश भी कर सकते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। वेरी गुड। तो अब जो क्वेश्चन हमारा आता है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट से है, तो क्या आप बताएंगे कि व्हाट इज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? यह क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि व्हाट इज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? देखिए, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये हमारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के सेक्शन 2 सब सेक्शन ए में डिफाइन किया गया है। लेकिन एक्चुअल में मैं डिफाइन किया हुआ बोल रहा हूँ, पर यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है वो अच्छी डेफिनेशन नहीं है। इस सेक्शन 2A में ये बोला गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मीन्स सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो मतलब 2A में एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरीज बना दी, टाइप्स दे दिए हैं। अब मैं आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है मैं वो बताता हूँ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कि व्हेन कोर्ट गिव्स एन ऑर्डर और पास एन डिक्री और पास जजमेंट और गिव सम इशू सम डायरेक्शन एंड सम पर्सन डू नॉट फॉलो दिस। कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया, जजमेंट दी, डिक्री दी,
और दूसरा पर्सन उसे विलफुली फॉलो नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स दैट पर्सन इज डूइंग द कंटेम्प्ट, वो कंटेम्प्ट कर रहा है कोर्ट का। वैसे ही एक पर्सन जो है वो कुछ ऐसा बोल रहा है जिससे वो कोर्ट की अथॉरिटी को स्कैंडलाइज कर रहा है। स्कैंडलाइज करने का मतलब है उसके ऊपर वो कुछ गलत कर रहा है, अथॉरिटी को नेगेटिव वे में क्रिटिसाइज कर रहा है, तो मतलब वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मीन्स टू विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, और टू स्कैंडलाइज द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, और टू इंटरफियर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और टू इंटरफियर इन द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट, दिस इज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपने बताया कि सेक्शन 2A बोलता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो सिविल भी होता है क्रिमिनल भी होता है, दो प्रकार की है। तो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या, डिफेंस क्या, दोनों में प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, व्हाट इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो पहले सिविल को बताते हैं, जो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो सेक्शन 2B में बताया गया है, 2B में 2 सबसेक्शन B, ये सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करता है। सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कि विलफुल डिसओबीडियंस, विलफुल मतलब जानबूझकर, विलफुल डिसओबीडियंस, डिसओबीडियंस मतलब ओबे नहीं करना, डिसओबे करना, विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, जजमेंट ऑफ कोर्ट, डिक्री ऑफ कोर्ट, डायरेक्शन इश्यूज बाय द कोर्ट, और विलफुल ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट। मतलब बोलना क्या हुआ कि कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया, किसी को बोला भाई ये काम कर लो, उसने वो काम नहीं किया, उसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। कोर्ट ने फॉर एग्जांपल कोर्ट ने स्टे का ऑर्डर पास कर दिया, स्टे लगवा दी कहीं पे, पर बंदा नहीं मान रहा, व्यक्ति नहीं मान रहे कोर्ट के ऑर्डर को, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, सिविल कंटेम्प्ट है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जजमेंट दी, डिक्री दी, उसको नहीं मानना, कोर्ट की किसी भी ऑर्डर, डिक्री, डायरेक्शन को नहीं मानना, जानबूझकर, विलफुली नहीं मानना, तो हो गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सिविल कंटेम्प्ट हुआ ये। और दूसरा इसमें पॉइंट आता है विलफुल ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग गिवन टू कोर्ट। आपने कोर्ट में जाके कुछ अंडरटेकिंग दी, अंडरटेकिंग का मतलब है आप कोर्ट को बोलते हैं सर मैं ये काम कर दूंगा, प्रॉमिस किया कोर्ट को आपने कि मैं अंडरटेकिंग दे रहा हूं, मैं डिक्लेरेशन कर रहा हूं मैं ये काम करूंगा, और आप नहीं करते हो बाद में, आपने ब्रीच कर दिया उसको, तो ये भी क्या होता है हमारा, सिविल कंटेम्प्ट होता है। ठीक है। तो अगर सिविल कंटेम्प्ट कोई करता है व्यक्ति, तो क्या वो व्यक्ति को डिफेंस ले सकता है, डिफेंस अवेलेबल होते हैं सिविल कंटेम्प्ट में? तो आप बताओ कि अगर आपके ऊपर सिविल कंटेम्प्ट का केस चल रहा है तो आप अपने आप को कैसे बचाव कर सकते हो, क्या डिफेंस ले सकते हो आप? देखो अगर किसी पर्सन के ऊपर सिविल कंटेम्प्ट का केस चल रहा है तो उसके पास कुछ डिफेंसेज है, वो ले सकता है और अपना बचाव कर सकता है। पहला डिफेंस क्या है, वो बोल सकता है कि मेरा जो डिसओबीडियंस था इट वॉज नॉट विलफुल, मैंने जानबूझ कर डिसओबे नहीं किया ऑर्डर को, मेरी कोई इच्छा नहीं थी मैं डिसओबे ना करूँ, ड्यू टू सम रीज़न मुझे ऑर्डर नहीं मान पाया, मैं कोई वो रीज़न दे सकता है अपना, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसा नहीं किया, तो वो बच सकता है। दूसरा, जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, द ऑर्डर वॉज पास विदाउट ज्यूरिसडिक्शन, कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया था उसके पास वो ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी ऑर्डर पास करने की, तो मैं उस ऑर्डर को क्यों मानता, एक कोर्ट ये मुझे ये करने को बोल रहा है पर कोर्ट के पावर नहीं है वो ये ऑर्डर दे मुझे, और कोर्ट ऑर्डर दे रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड कर रहा है, ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जाके काम कर रहा है, तो मैं उसको नहीं मान रहा, तो तब भी बंदा बच जाएगा। तीसरा है नो नॉलेज ऑफ ऑर्डर, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया उसका नॉलेज किसी पर्सन को है ही नहीं, अगर नॉलेज नहीं है ऑर्डर का तो वो उसको फॉलो क्या करेगा, तो भी ये बंदा बच सकता है, डिफेंस ले सकता है। उसके बाद डबल इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑर्डर, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया उसके दो मीनिंग निकल के आ रहे हैं, एक पर्सन क्या करता है एक मीनिंग के अनुसार काम कर देता है, पर दूसरा जो मीनिंग था उसने दूसरा मीनिंग के अनुसार काम नहीं किया, अब कल को अगर उसके ऑर्डर है वो धुंधला है वेग है, वेग ऑर्डर पास कर दिया मतलब निकल के आ रहे हैं, तो बंदा अपने अनुसार काम कर देता है और बाद में उसके ऊपर केस चल जाता है, तो बोल सकता है कि एक्चुअली ऑर्डर वॉज वेग, ऑर्डर वॉज एम्बिग्यूस, ऑर्डर वॉज नॉट क्लियर टू मी, इट वॉज इस इंटरप्रिटेशन, इट वॉज हैविंग मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, देयरफॉर आई डिड नॉट फॉलो द ऑर्डर, तो ये भी सिविल डिफेंस के, मतलब हमने सिविल कंटेम्प्ट का मतलब समझ लिया, क्या क्या आपको डिफेंस अवेलेबल है वो पढ़ लिया। तो प्लीज क्या आप हमें बताएंगे कि सिविल कंटेम्प्ट अगर किसी ने कर दिया तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी? बिल्कुल जी बिल्कुल बताएंगे, बस एक मिनट फटाफट बच्चों से कुछ एक क्वेश्चन ले लेते हैं। बार काउंसिल को कितनी पावर क्यों मिली हुई है, हमने बार काउंसिल की जरूरत ही क्यों है, बार काउंसिल होती है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। चलो अभी दो तीन क्वेश्चन ये बच्चों के लिए लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों,
बार काउंसिल को इतनी पावर क्यों मिली हुई है? देखिए, बार काउंसिल एक रेगुलेटरी बॉडी है, उसको पावर जो मिली हुई है वो एडवोकेट्स के रेगुलेशन के लिए ही मिली हुई है। एडवोकेट्स ने खुद डिमांड करी थी 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट बना कि हमारे लिए एक बार काउंसिल होनी चाहिए जो हमें रेगुलेट कर सके, हमारे राइट्स को बचा सके, हमें प्रोटेक्ट कर सके, हमारे लिए रूल्स बना सके। तो इसलिए बार काउंसिल को ये पावर दी गई है, क्योंकि ये एडवोकेट्स के हित में काम किया गया है और एडवोकेट्स चाहते थे। जैसे कि मेडिकल के लिए बार काउंसिल की स्थापना किस लॉ के अंडर है? स्टेट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन या लॉयर बॉडी? देखो, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ये एडवोकेट एक्ट 1961 के अनुसार हुई है, जो कि पार्लियामेंट ने पास किया था, क्योंकि सेंट्रल लॉ है। तो इट इज़ अ सेंट्रल लॉ, इट इज़ पास द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और ये उसी के अंडर बार काउंसिल बनी हुई है। गुड फेथ बोल के बच जाएंगे या इल विल नहीं थी? देखो, गुड फेथ है तो इसका मतलब इल विल नहीं थी, ऑब्वियस बात। दिस बोथ टर्म्स आर कम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। इफ आई एम सेइंग दैट आई हैव द गुड विल, इट मींस आई वाज नॉट हैविंग द इल विल। द बोथ टर्म्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। डिजिटल विंग, ऑर्डर वेग होता है, ऑब्वियस बात है। ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने कोई किसी भी कोर्ट ने भी ऑर्डर पास किया, उस ऑर्डर के एक या दो मतलब निकल के सामने आ रहे हैं। अब बहुत से ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जिसमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है, तो अगर ऑर्डर निकल के आते हैं उसके दो तीन मतलब निकल के आते हैं, पर्सन कोई एक मतलब जो है वो उसके अनुसार वो काम करता है, तो उसको सजा नहीं मिल सकती बाद में अगर वो दूसरे के अनुसार काम ना करे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी के अभी, और हमारा दूसरा चैनल है ब्लॉग विद ट्विंस, उसको जाकर आप हमारे ब्लॉग्स देखिए डेली लाइफ के। होली का ब्लॉग्स भी उस पर डलने वाला है बहुत जल्दी, और साथ ही अगर आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे नंबर, फ़ोनपे नंबर, पेटीएम नंबर 8219820461 में कोई भी अमाउंट हमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हमें कॉन्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं आपके मोटिवेशन के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए, थैंक यू सो मच। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो सिविल कंटेम्प्ट के बारे में हमने समझा, तो प्लीज़ हमें आप ये बता दीजिए कि सिविल कंटेम्प्ट अगर कोई एडवोकेट कर देता है तो उसकी पनिशमेंट, सॉरी एडवोकेट क्या, कोई भी कर देता है, कोई भी व्यक्ति, इवन एडवोकेट भी सिविल कंटेम्प्ट कर सकता है, जज भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, तो उसके लिए पनिशमेंट क्या रहेगी? देखो, अगर कोई पर्सन सिविल कंटेम्प्ट करता है तो उसकी पनिशमेंट जो है उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 मंथ तक की, 6 मंथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट की जेल हो सकती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, रिग्रेसली सिंपल, या दूसरा है या फिर उसको 2000 रुपये तक का फाइन हो सकता है, या ये दोनों भी हो सकते हैं। मैं 6 महीने तक की जेल और साथ में 2000 तक का फाइन, और दोनों भी हो सकते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे आगे नए क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है व्हाट इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है? बिल्कुल, देखो, मैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात करूं तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन कुछ पब्लिश करता है, वो पब्लिश कैसे करेगा, बाय वर्ड्स बोल के, बाय राइटिंग वर्ड्स, स्पोकन वर्ड्स, या बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, और बाय एनीथिंग। अगर कोई पर्सन पब्लिश करता है कुछ भी, और पब्लिश करके वो क्या कर रहा है, ही इज स्कैंडलाइजिंग द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट और लोअरिंग द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, वो कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ने क्या किया, पर्सन गया कोर्ट में, उसने जूता निकाला और जज के ऊपर फेंका। अब यहाँ पे उसने सबके सामने पब्लिकली क्या किया, उसने कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर कर दिया, कोर्ट तो कुछ है ही नहीं मेरे आगे, जज तो मेरा कुछ नहीं है। तो लोअरिंग द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, स्कैंडलाइजिंग द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, स्कैंडलाइज का मतलब होता है हार्श क्रिटिसिज्म, नेगेटिव क्रिटिसिज्म, होस्टाइल क्रिटिसिज्म, गलत वे में आपने क्रिटिसाइज किया किसी पर्सन को, तो ये होता है नेगेटिव ही होता है हमारा, स्कैंडलाइज करना किसी को। तो अगर कोई पर्सन किसी को, कोई पर्सन जो है वो कोर्ट की अथॉरिटी को स्कैंडलाइज करता है, लोअर करता है, तो मतलब वो क्या कर रहा है, कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट कर रहा है। दूसरा पॉइंट है इसमें, अगर पर्सन क्या करता है, पर्सन कुछ भी ऐसा पब्लिश करता है जिससे कि, या पर्सन क्या करता है, कोर्ट की प्रोसीडिंग में बाधा उत्पन्न करता है। कोर्ट की प्रोसीडिंग चली हुई है, एक पर्सन आता है वहाँ आकर जज के हथौड़ा लेता है, वहाँ जोर से मारने लग पड़ता है, प्रोसीडिंग को अच्छे चलने देता है, वहाँ लड़ने लग पड़ता है, वहाँ पर एडवोकेट के साथ बहस करने लग पड़ता है, वकील के साथ बहस करने लग पड़ता है, कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं होने दे रहा, जो कोर्ट का केस चला हुआ है उसको पूरा नहीं होने दे रहा। दूसरा है टू इंटरफेयर इन द प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट, और टेंस टू इंटरफेयर इन द प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट, और तीसरा है टू इंटरफेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस जो कोर्ट ने डिसीजन दिया उसको आगे एडमिनिस्टर नहीं होने दे रहा है, एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहा है। कोर्ट ने बोला कि ये जमीन आपकी है और आप जाकर इसमें कब्जा ले लीजिए, पर्सन कब्जा लेने जाता है तो वहाँ पे एक पर्सन आई खड़ा हो जाता है, ले बोला कोई कब्जा, मैं बताऊँ उसे, ये मेरी, मैं इस जमीन में किसी को कब्जा नहीं लेने दूंगा, इससे हम नहीं हटेंगे, हम गोलियाँ चला देंगे।
कोई अगर इस जमीन पे कदम भी रखता है, कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है कि ये जमीन उसकी है, आप जाके कब्जा लीजिए, वो कब्जा लेने गया और वो उस कोर्ट के ऑर्डर को क्या नहीं कर, वो एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहा, मतलब वो क्या कर रहा है, वो कंटेम्प्ट ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है। तो तीन पॉइंट पढ़े हमने, स्कैंडलाइज और लोअरिंग द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, सेकेंड इंटरफेयर द प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट, एंड थर्ड इंटरफेयर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो दिस इज द क्रिमिनल कंटेम्प्ट। जैसे सर आपने बताया कि सिविल कंटेम्प्ट सेक्शन 2B में दिया गया है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट का कोई सेक्शन है? 2C, सेक्शन 2C, 2A में बोला गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सिविल कंटेम्प्ट हो सकता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो सकता है। 2B में बोल दिया सिविल कंटेम्प्ट के बारे में, 2C में बोल दिया क्रिमिनल कंटेम्प्ट के बारे में। ठीक है, तो अब आप क्या हमें बताएंगे कि अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल कंटेम्प्ट कर दे, उसके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट के चार्ज लग गए हैं, किसने क्रिमिनल कंटेम्प्ट किया, तो क्या वो अपने आप को डिफेंस कर सकता है? जैसे सिविल कंटेम्प्ट में डिफेंस था, अपने आप को बचा सकता था, क्या वैसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट में डिफेंस है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में हमारे पास डिफेंसेस अवेलेबल है। सबसे पहला डिफेंस है इनोसेंट पब्लिकेशन ऑफ द जजमेंट। अगर कोई पर्सन इनोसेंटली गुड फेथ में जजमेंट को पब्लिश करता है और बाद में वो किस तरह से कंटेम्प्ट बन जाता है, तो वो बोल सकता है कि मेरा कोई इसमें फेथ नहीं था, मेरी गुड फेथ था, मैंने तो इनोसेंटली पब्लिश किया जजमेंट को, मुझे नहीं पता था कि ये कंटेम्प्ट बन जाएगा, लेकिन इनोसेंट पब्लिकेशन होनी चाहिए। दूसरा है कि अगर आप किसी जज को क्रिटिसाइज़ करते हो गुड फेथ में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रॉपर पब्लिक के लिए, किसी जज को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, उसके उसने गलत काम किया, आप उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, तो भी आप जज साहब हैं, उनको आप गलत नहीं बोल सकते, उनकी जजमेंट को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो। हाँ, गुड फेथ में, बट गुड फेथ, मान लो अभी जजमेंट आई थी अडल्ट्री के ऊपर, अडल्ट्री ऑफेंस नहीं है, या 377 सेम सेक्स पर्सन जो है वो सेक्स कर सकती हैं, ये भी ऑफेंस नहीं है, तो इन जजमेंट्स को काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बहुत से लोगों ने वेलकम किया, तो क्रिटिसिज्म इज गुड, बट आप जो है वो कोर्ट की अथॉरिटी को लो नहीं कर सकते, होस्टाइल क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, गुड फेथ में आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। आप ऐसा नहीं बोल सकते ना जिससे कि एक कोर्ट की रेपुटेशन ही खत्म हो जाए कि कोर्ट है क्या, मैं कोर्ट को नहीं मानता, ये कभी कोर्ट ने सही डिसीजन दिया नहीं है, यहाँ पे जो यहाँ पे जज बैठे हैं वो है ही बेकार, इसे तो आप डेफामेशन करने जा रहे हो। ऐसा नहीं कर सकते, पर्सनली अटैक नहीं कर सकते। हाँ, आपको कोई जजमेंट सही नहीं लगती है, आप उसके प्रति अपने विचार रख सकते हो। तो प्लीज़ आप पानी पी लीजिएगा पहले। आपके जहाँ से आप हो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपके यहाँ मौसम कैसा है। हमारे यहाँ गर्मी काफ़ी हो गई है और यहाँ हमने पंखे एक्चुअली बंद किए हैं, पंखों में आवाज़ नहीं आती है साफ, तो थोड़ा शांति हो तो आवाज़ साफ आएगी, पंखे बंद हैं इसलिए हमें गर्मी लग रही है। तो प्लीज़ आप बताएं कि आपके वहाँ गर्मी कैसी है, कि गर्मी कम है या ज़्यादा है। एक दो क्वेश्चन के बाद फिर आपके कमेंट्स लेंगे हम। ओके, तो अब नया जो क्वेश्चन आता है वो हमारे पास ये है कि जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है उसकी पनिशमेंट क्या है। सिविल की लग गई पता कि 6 महीने तक की जेल हो सकती है या फिर 2000 रुपये का फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकती हैं। क्रिमिनल कंटेम्प्ट की सेम यही पनिशमेंट है, सेम पनिशमेंट, 6 महीने तक की जेल हो सकती है सिंपल इंप्रिजनमेंट, या 2000 रुपये तक का फाइन हो सकता है, या ये दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि व्हाट आर द रेमेडीज इन केस ऑफ पनिशमेंट इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पनिशमेंट दे दी गई है तो एक व्यक्ति के पास क्या कोई रेमेडी अवेलेबल है? मान लो मैंने कोर्ट ने बोल दिया कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जिम्मेवार हो, जिसको दोषी ठहराया है, क्या उसके पास क्या क्या रेमेडीज हैं, वो क्या कर सकता है? पहली रेमेडी तो वो अपोलॉजी के लिए अपोलॉजी दे सकता है, माफी मांग ले कोर्ट से, अपोलॉजी लेटर, माफी अपोलॉजी लेटर वो कोर्ट से मांगे, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक मौका दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। अपोलॉजी के लिए एप्लीकेशन दे दे, कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर भी सकती है अगर उसे लगा कि पहली बार बंदे ने कंटेम्प्ट किया है। दूसरा जो है वो ये है उसके पास रेमेडी कि वो अपील में जा सकता है। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डिसीजन जो है वो हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने दिया है तो वो डबल बेंच में जा सकता है, अगर डबल बेंच ने डिसीजन दिया तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, तो अपील में भी वो जा सकता है। और तीसरा है वो रिव्यू के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकता है कि प्लीज़ आप एक बार डिसीजन को रिव्यू कर दीजिए, आपने जो मुझे सजा दी है वो ज़्यादा है, मैंने कंटेम्प्ट किया था मैं मानता हूँ, पर वो कम क्वालिटी का कंटेम्प्ट था, तो आप प्लीज़ थोड़ी सी मेरी जो पनिशमेंट उसको रिवाइज कर दीजिए, रिव्यू कर दीजिए अपने डिसीजन को। तो ये तीन जो रेमेडीज एक पर्सन को अवेलेबल है, पहली अपॉलॉजी, दूसरी अपील, तीसरी रिव्यू। ओके, तो सर हमें आप ये बताइए प्लीज कि हमने पढ़ा कि जो कंटेम्प्ट है उसके लिए एक व्यक्ति लाइबल हो सकता है, एडवोकेट भी लाइबल हो सकता है,
तो क्वेश्चन ये है कि क्या एक जज भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए लायबल हो सकता है? पहला क्वेश्चन तो ये है। देखिए, अगर मैं जज की बात करूं तो जब भी हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देते हैं या हाई कोर्ट डिसीजन देते हैं तो वो उनकी से नीचे की अथॉरिटी के वो डिसीजन बाइंडिंग होते हैं, ठीक है? और वो उनको डिसीजन को ना माने तो मतलब वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही कर रहे हैं। ओके, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट कभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लायबल नहीं हो सकता, लेकिन जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए लायबल हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कोई है उसको सुप्रीम कोर्ट खुद ना माने, नया डिसीजन दे दे, ये अलाउड है, ये अलाउड है, तो कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। मैंने पहले ही बोला कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजन, व्हाट द अदर कोर्ट्स इनफीरियर टू सुप्रीम कोर्ट, दे आर बाइंडिंग। ये ठीक है। तो इसलिए जो लोअर कोर्ट्स हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लायबल हो सकते हैं। ओके ओके ओके। एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है अभी, वो क्वेश्चन एक्चुअली हमने लिखा नहीं है, प्लीज आप बताएंगे क्या, कि हमने अभी पढ़ा था पीछे कि दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट स्ट्राइक पे चले गए, दिल्ली हाई कोर्ट के बोलते हैं एडवोकेट स्ट्राइक पे जा रहे हैं, वो कोर्ट में नहीं जाते, कोर्ट में वो प्रोसीडिंग नहीं करते, तो ये क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या लीगल है, क्या एडवोकेट स्ट्राइक में जा सकते हैं? देखो, एक केस हुआ था एक्स कैप्टन हरीश उप्पल केस, और उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एक हाई जो एडवोकेट है उसके पास अपना स्पीच देने का राइट है, ठीक है, असेंबली बनाने का राइट है, वो ह्यूमन बीइंग है, वो स्ट्राइक में भी जा सकता है, लेकिन वहीं पर वो स्ट्राइक में जाता है तो लोगों का जो एक राइट है, राइट टू स्पीडी ट्रायल, वो ख़त्म हो जाता है। हमारे पास राइट है कि हमारा केस जल्दी सुना जाए, अगर एडवोकेट स्ट्राइक में जाएंगे तो केस ही नहीं सुना जाएगा, केस नहीं सुना जाएगा तो डेट्स मिलेंगी तो केस लंबा पड़ जाएगा, तो किसी का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस प्रॉपर नहीं हो पाएगा, इसलिए एक जस्टिस डिले हो जाएगा, और कहा भी जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हाँ, इसलिए एक तरफ तो एडवोकेट के पास राइट है कि वो स्ट्राइक में जा सकता है, पर दूसरी तरफ वो अपना राइट एक्सरसाइज करते हुए दूसरों का जो राइट है, राइट टू स्पीडी ट्रायल, उसको खत्म भी नहीं कर सकता, इसलिए एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। एडवोकेट स्ट्राइक में ऐसे नहीं जा सकते बिना बोले, उन्हें प्रॉपर कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, बार एसोसिएशन से परमिशन लेनी पड़ती है और अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। मतलब ये हुआ उसके बाद कोई दिन फिक्स करके वो उस दिन स्ट्राइक पे जा सकते हैं, एडवोकेट्स स्ट्राइक पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, पर वो कोर्ट की परमिशन लेके जाएंगे कोई पर्टिकुलर डे, मान लो उन्होंने बोल दिया मंडे को कोर्ट में कोई नहीं आएगा, एडवोकेट स्ट्राइक लेंगे, कोर्ट से परमिशन ले ली और स्ट्राइक भी चले गए, पर ऐसे नहीं हर जब मर्जी उठ के चले गए, ऐसा नहीं हो सकता, तो ये आपने ध्यान रखना थोड़ा। तो इसके साथ ही हम एक नया क्वेश्चन भी क्वेश्चन ले लेते हैं। सर, आप टीचिंग करते हैं कहीं दोनों कॉलेज वगैरह में, सर आपने क्या क्या स्टडी करा है? मौसम गर्म है बट वी फील कूल आफ्टर योर लेक्चर्स, थैंक यू सो मच। ये क्या जोक्स है, हमारे भी गर्मी है सर। ओके, रुचि यादव, आफ्टर जजमेंट ऑफ अडल्ट्री केस इज अडल्ट्री आर क्राइम नाउ, अडल्ट्री इज नो मोर क्राइम, अडल्ट्री इज नॉट क्राइम नाउ। सर कमेंट्स पढ़ो, पढ़ रहा हूँ जी, अडल्ट्री नॉट क्राइम नाउ, यस, जो ओनली जजमेंट थी वो सेफ गार्ड राइट्स ऑफ मैन, ठीक है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे अपने नए चैनल का ब्लॉग विद ट्विंस, उसमें हम ब्लॉग्स डालते हैं अपने, प्लीज़ उसको फॉलो करें, हमारे इंस्टाग्राम पेज लव विद ट्विंस को फॉलो करें, वहाँ पे हम जनरली लाइव आएंगे, आते रहते हैं, और वहाँ पे आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी कोई बात करनी हो, क्वेश्चन करनी हो, आप कर सकते हो, और अगर आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, फाइनेंशियली मोटिवेट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमें गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के जरिए कर सकते हैं। हमारा गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे नंबर जो है वो 8219820461 है, 8298204461। और अगर आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 98164, अब यहाँ लिख दो 98164 92276, मतलब 98164692276 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इसमें भी आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अभी जो नया क्वेश्चन है, हम नया क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एक बार, और ख़त्म होने वाला ये वाला लेक्चर जो है। तो सर, आप हमें बताएंगे कि पंचशील ऑफ बार क्या होते हैं, पंचशील ऑफ बार? मुकेश सर बिजी हैं कमेंट पढ़ के। आप कौन सा कमेंट बोल रहे हो, डिस्टर्बिंग ग्रोन और बैंड वाला कमेंट का रिप्लाई, ग्रोन एंड बैंड, मुकेश ओलाकोला सर बता दो प्लीज़, सही इंडस्ट्री लॉ की वीडियो है? मुकेश जी, इंडस्ट्री लॉज की वीडियो नहीं है हमारे पास अभी तक,
देखो सीनियर एडवोकेट के पास मिनिमम कितने साल एक्सपीरियंस होना चाहिए ये कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। सीनियर एडवोकेट वो पर्सन होता है जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो और उसके पास उसका जो रिकॉर्ड रहा हो वो अच्छा रहा हो, उसके नॉलेज अच्छा हो, उसका अच्छे केस जीते हो, डील की हो, कोर्ट की हेल्प करी हो, वो सीनियर एडवोकेट आता है। इसमें हो सकता है कोई 10 साल की प्रैक्टिस के बाद सीनियर एडवोकेट बन जाए, कोई 50 साल की प्रैक्टिस तक ना बन पाए, ये हो सकता है। तो इसमें कोई एज, इसमें कोई प्रैक्टिस का क्राइटेरिया नहीं है। अच्छा, गाउन पहनना जरूरी होता है क्या? नेक बैंड कब पहनते हैं? देखो ये जो यूनिफॉर्म है वो बार काउंसिल ही डिसाइड करती है। सुप्रीम कोर्ट में गाउन पहनना, हाई कोर्ट में गाउन पहनना जरूरी होता है, लेकिन लोअर कोर्ट में जरूरी नहीं है। वहाँ पे आप बिना गाउन के प्रॉपर ब्लेजर में आप जा सकते हैं। तो जो नया क्वेश्चन हमारे पास है, सोज वाला, आप अपनी प्लीज यूनिवर्सिटी बताइए, कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं आप और कौन से ईयर के स्टूडेंट हैं आप? सर हम नया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब। सर प्लीज़ आप क्या पंचशील ऑफ बार बता सकते हैं? पंचशील ऑफ बार क्या है? बिल्कुल जी, पंचशील ऑफ बार का क्वेश्चन आ जाता है कि बार मतलब सर फिर बार क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय बार एंड बेंच, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बार और बेंच क्या होता है? तो आप बोलो कि बार का मतलब है कलेक्टिव बॉडी ऑफ एडवोकेट्स और बेंच का मतलब है कलेक्शन ऑफ जजेस। जजेस को हम बेंच बोलते हैं, या सिर्फ आपने सुना भी होगा फुल बेंच, डिवीजन बेंच, सिंगल बेंच। तो बेंच इज जजेस एंड बार इज एडवोकेट। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेट की काउंसिल है, बार काउंसिल ऑफ स्टेट एडवोकेट की काउंसिल है, तो बार इज एडवोकेट्स। तो पंचशील ऑफ बार एडवोकेट के पांच सिद्धांत कौन से जो बड़े महत्वपूर्ण है? सबसे पहला ऑनेस्टी है, एक एडवोकेट ऑनेस्ट होना चाहिए, इंटीग्रिटी ऑनेस्ट। दूसरा इंडस्ट्री, हार्ड वर्क होना चाहिए, हार्ड वर्कर होना चाहिए एडवोकेट, बहुत हार्ड वर्क करने वाला। जस्टिस, एडवोकेट ऐसा हो जो जस्टिस दिलाने में हेल्प करे। देन सर्विसेज, एडवोकेट सोसाइटी को सर्व भी करे, हमेशा पैसा कमाना उसका मतलब नहीं है, उसका मोटो सर्विस देना है। देन फिलोसफी, एक एडवोकेट फिलोसफर भी होना चाहिए, जब एडवोकेट फिलोसफर बन जाएगा तो केसेस को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो पंचशील ऑफ बार पांच है, पांच सिद्धांत है पंचशील ऑफ बार में। सबसे पहला है ऑनेस्टी, एडवोकेट ऑनेस्ट होना चाहिए, इंडस्ट्री हार्ड वर्कर होना चाहिए, देन जस्टिस डिलीवर करने के लिए हेल्प करे कोर्ट की, देन सर्विसेज, सर्विसेज दे सोसाइटी को, और फिलोसफी, एक फिलोसफर होना चाहिए। उसका अगला क्वेश्चन आता है सेवन लेंथ्स ऑफ एडवोकेसी। एक एडवोकेसी के सेवन लेंथ क्या है? क्या सात चीज़ें वो बहुत जरूरी हैं एडवोकेट्स के लिए? वही है, पहला ऑनेस्टी, दूसरा इंडस्ट्री, तीसरा करेज, चौथा विट, पांचवा जो है वो है इलोक्वेंस। इलोक्वेंस का मतलब होता है कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए एडवोकेट की। जजमेंट, जजमेंट देन फेलोशिप। तो ये हमारे कुछ एक सेवन लैंप्स ऑफ एडवोकेसी हैं। इसके अलावा बच्चों को और क्वेश्चन जो आपको लगता हो, ये तो हो गया हमारे सिलेबस के क्वेश्चन। इसके अलावा कभी कभी जनरल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि भाई बताइए हमारे रिट जुरिसडिक्शन कौन से सेक्शन में दी गई है सुप्रीम कोर्ट के, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो रिट जुरिसडिक्शन आर्टिकल 32 में दी गई है सुप्रीम कोर्ट के लिए, और हाई कोर्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 में दी गई है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका तो बताइए, हमारे तो क्वेश्चन लिस्ट खत्म हो गई, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो बता दिए मैंने। सर रिप्लाई कर देना सारे क्वेश्चंस के वीडियो खत्म करने से पहले। कौन सा रिप्लाई? आप टीचर, सर आप टीचर हो किसी कॉलेज में? नहीं सॉरी, मैं इसको यहाँ बता नहीं पाऊंगा, मैं टीचर नहीं, हम टीचर ही हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो किसी कॉलेज में आपके टीचर ही हैं, पर कॉलेज में टीचर नहीं है किसी के। क्या स्टडी है की है? स्टडी हम लोगों ने जो है वो अपने एजुकेशन लॉ में हमने बैचलर्स करी है, मास्टर्स करी है, अभी डॉक्टरेट कर रहे हैं हम लोग। सर सीसी फर्स्ट में रिजल्ट है, ये मुझे नहीं पता। आकाश शर्मा, आई एम सो सॉरी। तो गाइज आप अपने क्वेश्चन पुट कीजिए, आप अपने क्वेश्चन पुट कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है प्रोफेशनल एथिक्स को लेके, कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो वो पुट कीजिए, हमारे सर हमारे साथ हैं, अभी आपको आंसर मिल जाएगा। तो प्लीज़ क्वेश्चन पुट कीजिए, हम आपको एक दो मिनट दे रहे हैं, फिर हम नहीं तो सेशन को ख़त्म करेंगे, सेशन का एंड करेंगे। थैंक यू सो मच रुचि यादव, अगर आपने हमारा अपना सेशन देखा है। और बच्चों हाँ, ये जो हमने नोट्स की लिस्ट है, इसके 11 पेजेस की पीडीएफ फाइल है, 15-16 पेजेस की या जो भी है, तो अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए होगी तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके उसकी डिमांड कर सकते हैं। एडवांस में बता देता हूँ, ये पेड होगी। आप लोग अपने क्वेश्चन हमारे सुनिए, लिखिए खुद, मैं मना नहीं करता, पर अगर आपको बना बनाया मटेरियल चाहिए तो यू हैव टू पे, और पे करना होगा तभी आप मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे। ऐसे आप लोग बहुत सारी इंक्वायरी करते हो, बाद में बोलते हो सॉरी सर, तो टाइम इज मनी, हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो प्लीज़ ऐसे मैसेज मत कीजिएगा।
विग टीवी, मैंने प्रोफेशनल थिंग्स क्या होते हैं शुरू बता दिया है, ये वीडियो अपलोड करता हूँ अभी मैं, तो उसमें आप पूछ सकते हो। चार्जेस क्या हैं अमन? चार्जेस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पता चल जाएगा, अभी मैं यहाँ पे बता नहीं सकता। थैंक यू सो मच डिजिटल विंग्स, अगर आपने हमारे नोट्स परचेज किए हैं तो आई होप आपको उन्होंने हेल्प करी हो, थैंक यू सो मच। तो आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है कहीं से भी, और बच्चों को काफ़ी क्लियर हो रखा है। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन पढ़ लिए तो आपका जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा होने वाला भाई, आपका आपको 100 से 100 नंबर मिलने वाले हैं। अगर 80 नंबर का तो 80 नंबर मिलने वाले हैं, 60 से 60 मिलने वाले हैं। वेरी गुड, नोट्स आई परचेज्ड, ठीक है राहुल जी। वो नोट्स मेरे काफ़ी लेंथी थे, वो तो पेपर में लिखने के लिए थे। ये जो नोट्स होंगे कंसाइज होंगे, ये बाइबा के लिए होंगे, तो अगर आप चाहिए होंगे आपको तो यू कैन मैसेज मी इन द व्हाट्सएप। अमाउंट विल बी वेरी लो, आप टेंशन ना लो, इसके अमाउंट काफ़ी कम होगा, जो पहले अमाउंट था उसका 50% का ही 50 होगा, काफ़ी कम अमाउंट रहेगा, वो चिंता ना करें आप। आपको अगर लेनी है तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। डोली शर्मा आप क्वेश्चन पूछिए प्लीज़, क्वेश्चन पूछिए डोली शर्मा। डोली शर्मा जी आप क्वेश्चन पूछिए प्लीज, व्हाट इज योर क्वेश्चन? आई थिंक क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। मैं आपको दिल से कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ CCSU के फर्स्ट सेमेस्टर लेक्चर्स के लिए। थैंक यू सो मच दिल से कंट्रीब्यूट करने के लिए, बाकी आप दिल के साथ साथ हमें मॉनेटरी भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन करने के लिए आप इस नंबर पे 8198204661 पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के जरिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं तो प्लीज़ जरूर करिए, हमें इससे हेल्प मिलती है, काफ़ी हेल्प मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप फाइनेंशियली वीक है, कई बच्चे जो हैं वो खुद ही मेहनत करके पढ़ते हैं, पेरेंट्स से कम लेते हैं पैसे या नहीं अरेंज कर पाते, तो उनके लिए कोई कंपलसरी नहीं है, जो दे सके उनके लिए ही लिखा हुआ मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, तो प्लीज़ कॉन्ट्रीब्यूट जरूर करें। देखिए डोली शर्मा जी, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो अगर पूछें क्वेश्चन तो बोल सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होती है, तो आप बोलोगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जैसे कि नाम बता रहा है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो लिटिगेशन फाइल की जाती है कोर्ट में उसको बोला जाता है। तो जब कोई एक पर्सन पब्लिक के बिहाफ में पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हुए पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लिटिगेशन कोर्ट में फाइल करता है तो उसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो लोकस टेंडाई का ऑपोजिट है। लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है जिसको ग्रीवियंसेज है कोर्ट में बही जा सकता है, पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब है जिसको ग्रीवियंसेज नहीं है वो भी सोसाइटी के लिए पब्लिक के लिए कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकता है। फॉर एग्जांपल कोई इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है, मुझे लगा पता मैं एडवोकेट हूँ यार इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, मुझे वो तंग नहीं कर रहा, मैं उस एरिया का नहीं हूँ, पर मुझे लगता है यार ये इन्वायरमेंट पोल्यूशन सोसाइटी को तंग कर रहा है तो मैं जाके केस कर दूंगा, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बन जाएगी। MC मेहता जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सुनोगे आपने, आई थिंक वो भी एक्सपायर हो गया, मुझे पक्का पता नहीं है, एक बार चेक कर लेना आप। तो MC मेहता जो है MC मेहता एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, वो डालते PIL एक्सपायर हुए नहीं हुए हमें क्या पता, आई थिंक मेरे को लगा। चलो ठीक है बच्चों, सॉरी है कोई गलत बात बोल दी हो। थैंक यू सो मच प्रियंका, थैंक यू सो मच। कॉन्ट्रैक्ट 2 के ऊपर जल्दी आएंगे, आप लोगों का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी वालों का, तो उसके लिए अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। विल डेफिनेटली डू समथिंग फॉर यू। लैंडमार्क केस ऑफ अडल्ट्री, अमन अडल्ट्री केस जो सेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि लेटेस्ट केस है, इसके अलावा स्टेट ऑफ बॉम्बे का अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे पुराना केस है, एनी केस यू रिमेंबर? अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे जो पुराना केस था जिसमें बोला था अडल्ट्री ऑफेंस है, और नया केस जो जो सेफ शाइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जिसमें बोला अडल्ट्री ऑफेंस नहीं है। कॉलेज में यू आर पॉपुलर बाय द नेम 5 और वाली वीडियो, थैंक यू डिजिटल विंग्स, थैंक यू सो मच। वाली वीडियो इनके कॉलेज में बी आर पॉपुलर विद द 4 और वाली वीडियो देख लो बंदों की, 5 आवर्स वाली वीडियो। कॉन्स्टिट्यूशन लीगल हिस्ट्री अपलोड कर दो, थैंक यू सो मच। हाय सर, हाय हाय सर, मेरे विलेज का नाम ले लो एक बार वीडियो में, मैंने भी आपको जी पे किया है 501 रुपया, थैंक यू सो मच अमाउंट के लिए। विलेज गोविंदपुरी डिस्ट्रिक्ट
हरियाणा। अच्छा अच्छा, आकाश शर्मा जी, आकाश शर्मा जी फ्रॉम विलेज गोविंदपुरी डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर हरियाणा, थैंक यू फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। हम यमुनानगर के पास ही हैं वैसे। थैंक यू सो मच फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अस दिस अमाउंट, थैंक यू सो मच। रिट अबाउट, देखो अभी आई थिंक ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड नाउ, आकाश शर्मा ने अभी कॉन्ट्रीब्यूट किया, थैंक यू सो मच आकाश शर्मा कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। आपका ऐसे ही कॉन्ट्रीब्यूशन हमें मोटिवेट करता रहेगा और हम आपको आप लोगों के लिए लगातार वीडियोज आगे लाते रहेंगे। रिट, तो रिट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ स्टूडेंट्स। रिट जो है, रिट इज़ बेसिकली द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ओनली दो ही कोर्ट जो रिट इशू कर सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अंडर विच कोर्ट ऑर्डर समवन टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, जिसके अंदर कोर्ट ऑर्डर देता है किसी को कि तुम कुछ करो या तुम कुछ मत करो। तो रिट एक कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, जो कि आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट पास करता है और 226 के अंडर हाई कोर्ट पास करता है। फाइव टाइप्स की रिट होगी जो कि मुनीश सर बताएंगे। सबसे पहले जो रिट है वो है हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस। दूसरी जो है वो है मंडामस, तीसरी जो है वो है शरशरी, जो फोर्थ है वो है क्वाब्रंटो, और फिफ्थ जो है वो है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, तो अगर बात की जाए हैबियस कॉर्पस की, उसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, मतलब जब ये रिट तब इशू कोर्ट इशू करता है जब कोर्ट ने किसी को किसी व्यक्ति को अपने पास बुलाना हो। जैसे मान लो पुलिस ने किसी को अरेस्ट करके अपने पास रखा हुआ है और पुलिस की ड्यूटी बनती है कि उसको वो अरेस्ट किए व्यक्ति को कोर्ट में पेश करे 24 आवर के अंडर, पर नहीं करता है, पुलिस नहीं करती है कोर्ट में पेश, तो जो कोर्ट है वो ये वाला रिट इशू कर सकता है हैबियस कॉर्पस का, जिसके अंडर वो पुलिस को बोलेगी कि प्लीज़ जो व्यक्ति आपने किया है अरेस्ट, उसको हमारे पास सामने पेश करो, ताकि हम देखें कि उसने क्या गुनाह किया है, गुनाह किया भी है या नहीं किया है, फिर उसको अरेस्ट करना नहीं करना, यह हैबियस कॉर्पस रिट कोर्ट इशू करता है। जो मंडामस रिट है वो इसका मतलब होता है टू गिव द कमांड, जब कोर्ट जो कमांड देता है, जो कमांड कोर्ट देता है, जैसे किसी भी कोई पब्लिक ऑफिसर है उसको कमांड दे दी कोई काम करने को बोला, मान लो किसी की कोई ड्यूटी है काम करने की, वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा, तो उसको कमांड दी कि अपना काम करो, तो वो होती है रिट ऑफ मंडामस। जैसे IAS ऑफिसर है उसकी कुछ ड्यूटीज़ हैं, HAS ऑफिसर की अपनी ड्यूटीज़ हैं, हर किसी की ड्यूटीज़ होती हैं, अगर वो बंदा अपनी ड्यूटी पूरी ना करे तो हम कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ से ऑर्डर पास करवा सकते हैं कि सर जिसे जो व्यक्ति गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है हमारा काम करने के लिए, वो हमारा काम नहीं कर रहा, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, रिट ऑफ मंडामस इशू कर सकता है कि व्यक्ति को काम करने को बोल सकता है जिसके लिए उसको गवर्नमेंट ने एक्चुअली अपॉइंट किया हुआ है। उसके बाद रिट ऑफ क्वाब्रंटो, रिट ऑफ क्वाब्रंटो का मतलब होता है व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, क्वाब्रंटो का मतलब होता है व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, कि आपकी अथॉरिटी क्या है। जैसे कई बार ना, अगर मान लो कोई व्यक्ति है, मैं एग्जाम्पल दूंगा IAS ऑफिसर का, कोई व्यक्ति IAS ऑफिसर बना हुआ है, पर एक व्यक्ति बोलता है कि ये व्यक्ति तो IAS ऑफिसर हो ही नहीं सकता, इसने तो कभी टेस्ट ही क्वालिफाई नहीं किया, ये कैसे IAS ऑफिसर बना हुआ है, कैसे ये DC बन के घूम रहा है, तो हम लोग रिट फाइल कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट रिट इशू करेगा क्वाब्रंटो की, इस व्यक्ति को बोलेगा कि व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपकी अथॉरिटी क्या है, आपने कैसे वो ऑफिस होल्ड कर रहे हो, बताओ आपने कब टेस्ट क्वालिफाई किया, कैसे आपने वहाँ पे DC बने, कब बने, कौन से बैच के हो। तो ये रिट जो है वो क्वाब्रंटो जो है कोर्ट तब इशू करता है जब कोर्ट ने पता करना हो कि कोई व्यक्ति को जो ऑफिस होल्ड कर रहा है वो वैलिड ऑफिस होल्ड कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बंदा कुछ व्यक्ति ने कोई टेस्ट कभी क्वालिफाई किया ही नहीं था, ऐसे ही वहाँ पे DC बन के घूम रहा है। जैसे कि कई बार आपने सुना होगा कि जज ने एक व्यक्ति जज बन के काफ़ी केसेस डिसाइड करता रहा पर कभी उसने LLB पास नहीं करी, ऐसा भी एक बार हो चुका है, मैंने एक बार ये खबर पढ़ी थी। तो ये हो गया रिट ऑफ क्वाब्रंटो। फिर रहती है रिट ऑफ उसके कौन सी बची, प्रोहिबिशन। जो प्रोहिबिशन रिट है वो हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को इशू करता है, जैसे हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इशू कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को इशू कर दी, जिसमें कि कोर्ट जो है वो प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिशन का मतलब है प्रोहिबिट करना, रोकना, लोअर कोर्ट को रोकता है कि प्लीज़ आप डिसीजन ना दें, जो भी आप केस सुन रहे हैं या आपकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता तो प्लीज़ आप इसको डिसाइड ना करें। तो ये होगी रिट ऑफ प्रोहिबिशन। जैसे मान लो मेरा केस चला हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मैं बोलता हूँ हाई कोर्ट में जाके कि सर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो मेरा केस सुन रहे हैं उनके पास ज्यूरिसडिक्शन है ही नहीं, तो जो हाई कोर्ट है वो रिट इशू कर सकता है प्रोहिबिशन की और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रोक सकता है कोई भी ऑर्डर पास करने से, कोई भी डिसीजन देने से। और एक जो लास्ट डेट है वो शर्शरी, शर्शरी का मतलब होता है टू सेटिफाई। जो प्रोहिबिशन और शर्शरी है वो सेम होती है वैसे, पर जैसे प्रोहिबिशन में क्या है, हाई कोर्ट ने हायर कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया और लोअर कोर्ट को बोल दिया कि आपने कोई जजमेंट पास नहीं करनी है, हायर कोर्ट ने रिट इशू करी और बोल दिया कि आपने कोई भी ऑर्डर पास नहीं करना है, आपने आप के अंडर ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता वो, तो आप रुक जाओ।
लेकिन सरसरी में क्या होता है, सरसरी की रिट तब इशू की जाती है जब एक्चुअल में ऑर्डर पास कर दिया होता है लोअर कोर्ट ने, फिर हायर कोर्ट बोलता है लोअर कोर्ट को कि जो भी आपने ऑर्डर पास किया है, जो भी आपके पास कागज हैं, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, उन्हें मेरे सामने पेश करो, सर्टिफाई करवाओ मेरे पास आके। सरसरी का मतलब होता है कि आपने क्या जजमेंट जो दिया है, जो ऑर्डर दिया है, क्या वो जुरिडिक्शन में दिया है या आउट ऑफ जुरिडिक्शन दिया है। मतलब ये हुआ प्रोविजन की रिट, लोअर कोर्ट ने कोई भी डिसीजन, कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया है तब इशू की जाती है अगर करनी हो। और जो दूसरी सरसरी की रिट है वो तब इशू की जाती है हाई कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब एक्चुअल में ऑर्डर पास कर दिया हो उसके बाद। ये मैंने जल्दी जल्दी बताया आपको, आई होप आपको समझ आया होगा। तो गाइस जैसे कि राहुल छाबड़ा जी बता रही हैं कि PIL में आपने जस्टिस PN भगवती एंड जस्टिस कृष्णा अय्यर, इन दोनों का नाम लेना आपने नहीं भूलना है। इन दोनों के एफर्ट्स के बाद ही PIL हमारे देश में आई थी। ये कंसेप्ट हमारे देश का नहीं है, ये हमने दूसरी कंट्री से अडॉप्ट किया है। और जस्टिस PN भगवती और कृष्णा अय्यर दोनों का नाम आप PIL में जरूर लीजिएगा, इन्हीं के एफर्ट्स से हमारे देश में ये जो PIL का कंसेप्ट है डेवलप हुआ। और साथ में आकाश शर्मा, यू डोंट वरी, ये लेक्चर अपलोड होगा, जरूर होगा, आपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हमें। और हमें चाहे साइबर कैफ़े में ना जाना पड़े, अभी टाइम है, हम साइबर कैफ़े में जाके अपलोड करेंगे, पर अपलोड जरूर करेंगे। और बाकी भी गाइस, अगर आपको रिट के जरिए, रिट का एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, अगर आपको इसमें डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम अलग से वीडियो बना देंगे और फायर रिट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे विद केस लो, तो आपको ज़्यादा हेल्प हो जाएगी अगर आपको चाहिए तो। वैसे जो हमने बताया है वो काफ़ी है आपको आंसर देने के लिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, आई थिंक वी शुड क्लोज डाउन द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। तो गाइस कॉन्ट्रीब्यूट करना ना भूलें, हमारे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम में, हमारे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं अगर आपको नोट्स लेने हैं तो। चार्ज काफ़ी कम रहेगा इनका, काफ़ी कम टेंशन ना लो आप। बाकी जो भी हमने पढ़ाया उसके लिए लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो में। हैप्पी होली, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।